आई थिंक बेटे ये सबको आवाज आ रही है, सबको आवाज आ रही है जनाब? क्या आप लोग मुझे सुन सकते हैं? ठीक है, स्क्रीन सबके साथ शेयर है? स्क्रीन भी नजर आ रही है? चले जनाब, ये डिस्कशन करते हैं। आज क्वेश्चन कुछ दिए थे कल आपको, अच्छा क्वेश्चन बैंक से मैंने भी दिया था एक सवाल आपको, वो भी देख लेते हैं, उस पर भी आ जाते हैं और बाकी चीजें भी देख लेते हैं। चलें क्वेश्चन बैंक से पहले देख लेते हैं जनाब, क्या कहते हैं आप? क्वेश्चन बैंक से पहले देख लेते हैं हम, क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन नंबर 7.2 जरा देख लेते हैं, और इसके अलावा मैं देखता हूँ कि और अच्छा सवाल जिसमें ये सारी चीज अप्लाई हो। अभी वैसे मुझे कल वो बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिला, लेकिन इस पे मैं आता हूं क्वेश्चन बैंक पे। नाम बहुत आगे होगा जरा, एक मिनट मुझे ना, 7 चैप्टर नंबर 7 पे आ जरा। ये जनाब चैप्टर 7 आ गई, ये दिस इज आई थिंक, ये सवाल भी आ गए ना, ये सवाल आपके सामने। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ यूनिट, कंप्लीटेड यूनिट प्रोसेस 1 एंड 2 दोनों की कंप्लीटेड कॉस्ट, एक यूनिट की फाइंड करनी हमें। एंड कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ द क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस इन ईच प्रोसेस एट द एंड ऑफ द जनवरी, प्रिपेयर द प्रोसेस अकाउंट एंड प्रोसेस 1 और 2 दोनों के अकाउंट भी हमने बनाने हैं। लीजिए डेटा आपके सामने, क्वेश्चन को शुरू से देख लें आप। यहां से अभी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, बच्चे ने कहा भी है और वैसे भी हमें डिस्कस करना है, तो इसको थोड़ा देखें जरा, 1-2 मिनट देखें जरा, फिर मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, किसी सॉल्व भी करता हूँ इसको। चलो लोग को सवाल देखें जरा, रीड करें, अभी हम डिस्कस करते हैं, 1-2 मिनट में बाकी लोग भी ज्वाइन कर लेते हैं। हाँ जी बेटा, सब लोग देख रहे हैं सवाल को, सब मैं ऐसे में और भी देख रहा हूँ कि कोई और मुझे पास पेपर से अच्छा से मुझे मैं वो करा दूंगा, अगर नहीं तो यही करा देता हूँ, तो कोई इशू नहीं है। नहीं प्रोसेस 1 चले, मैं इसमें कराता हूं आपको भी, अच्छा सुबान को ये समझ नहीं आई, बिल्कुल सुबान करें करके दें। चले अभी करते हैं, मतलब मैं चीज देखूं कुछ चीज मिल जाए और अच्छी, नहीं तो मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ, नो इशू। नहीं बेटे सवाल को जरा देखते हैं फिर हम, क्या कहा जा रहा है सवाल के अंदर। अच्छा डुअल क्वेश्चन है, डबल सवाल है, तो इसलिए हम दोनों पार्ट्स को देखेंगे। पहले पार्ट प्रोसेस 1 मैं करता हूं, फिर आप प्रोसेस 2 पे आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है? ले हम ट्राई करते हैं उसको। कहते क्या, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऑपरेट द 2 प्रोसेसेस, एक कंपनी जनाब 2 प्रोसेस बनाती है, ठीक है? आसान आराम से तसली से आप करने, ताकि आपको
जहां प्रॉब्लम है आप इसको हिंट करें, क्योंकि एक ही तरह के सवाल है, ये सवाल अभी सॉल्व सही हो गया, इस तरह के बाकी सवाल भी आप आसानी से सॉल्व कर जाएंगे। अच्छा जी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऑपरेट्स टू प्रोसेसेस, आउटपुट फ्रॉम द प्रोसेस वन इज ट्रांसफर्ड एज इनपुट टू द प्रोसेस टू। अच्छा, ये हमने कल भी बात डिस्कस कर ली हुई जनाब, पहले भी डिस्कस कर ली हुई है, प्रोसेस कॉस्टमक से ऐसा हो रहा होता है कि एक प्रोसेस हमारे पास आउटपुट हो रहा होता है और वो दूसरे प्रोसेस का इनपुट होता है, तो ठीक है, यहाँ जो फिनिश गुड्स या हमारे पास वैल्यू आएगी वो हम नंबर टू में हम इनपुट कर देंगे जनाब, ठीक होगी बात। आउटपुट फ्रॉम द प्रोसेस टू इज द फिनिश प्रोडक्ट। अच्छा, प्रोडक्ट प्रोसेस टू के बाद कोई और प्रोसेस नहीं है, वो फिनिश प्रोडक्ट होगी जनाब। डेटा फॉर द टू प्रोसेसेस इन ईच इन जनवरी आर एज फॉलोज। प्रोसेस वन आपको पहले दिया हुआ, इसमें क्या बताया, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस है हमारे पास, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस के कितने यूनिट्स पड़े हैं हमारे पास, कोई यूनिट्स वगैरह नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है हमारे पास। यूनिट्स इंट्रोड्यूस्ड इनटू द प्रोसेस, हाँ जी, कितना हमने इंट्रोड्यूस किया, यू कह ले हमने इस प्रोसेस में इनपुट कितने किए बेटा, 14,000 की हमने इनपुट किए बेटा, ठीक हो गया, 14,000 इनपुट आ गया हमारे पास। एंड यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर टू द नेक्स्ट प्रोसेस, फिनिश यूनिट कितनी है, यानी कि यू कह ले कि इस प्रोसेस वन का आउटपुट कितना निकला है, वो 10,000 का निकला है हमारे पास, ठीक हो गया जनाब, 10,000। तो 4,000 फिर क्या है, ये 4,000 या तो लॉस लूज हो गया या फिर वर्क इन प्रोग्रेस है, क्लोजिंग में पड़ा हुआ है, देखते हैं अभी क्या डिटेल देता हुआ। फिर आगे प्रोसेस टू की से बात करके क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस प्रोसेस टू में कितना आ रहा है, तो प्रोसेस टू में हमारे पास 4,000 आ रहा है। और मटेरियल एडिड कॉस्ट, उसमें प्रोसेस टू में जाके कितनी मटेरियल एड किया हमने, 70,000 की मटेरियल लगाया आपने, और कन्वर्जन कॉस्ट कितनी लगाई, 48,000 की हमें वहां पे कन्वर्जन कॉस्ट लगाई जनाब, तो 48,000 की वहां पे कन्वर्जन कॉस्ट भी हमारे पास आ रही है, ठीक होगी बात यहां तक जनाब, इज इट क्लियर। अच्छा जी, इसके बाद आगे वो क्या कह रहा जरा एक मिनट, अगली स्क्रीन में जाता हूं। एक मिनट बेटा, जरा एडजस्टमेंट करो जगह की, जरा प्रॉपर हमारे पास एडजस्टमेंट हो जाएगा। अच्छा, अब प्रोसेस टू पे आ जाता हूं मैं जरा, हाँ जी, प्रोसेस टू हमारे पास उसकी डिटेल भी आगे दी हुई, और हाँ जी क्या बताया जा रहा है, हमें यहां पे कुछ चीजें देखते जाते हैं बेटा। अच्छा जी, मटीरियल्स आर इनपुट इन द प्रोसेस एट वन एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस एंड कन्वर्जन कॉस्ट आर इनपुट एट द कॉन्स्टेंट रेट थ्रू आउट द प्रोसेसिंग। इसके बताने का मतलब क्या है कि कन्वर्जन कॉस्ट क्या लगी हुई इन हमारे पास थ्रू आउट द प्रोसेस लगी हुई, ठीक हो गया, ये कन्वर्जन कॉस्ट के बारे में बता दिया उसने हमें, ये कन्वर्जन कॉस्ट के बारे में क्या सिचुएशन है, सही इनकी सारी की सारी कन्वर्जन कॉस्ट लगी हुई हमारे पास। अच्छा जी, उसके बाद क्या बात की जा रही है, उसके बाद वो कह रहा है कि क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस इन प्रोसेस वन एट द एंड ऑफ द जनवरी इज एस्टिमेटेड टू बी 50% कंप्लीट फॉर द कन्वर्जन वर्क, ठीक हो गया, यानी वो कहता है कि कन्वर्जन के लिहाज से हमारे पास क्या सिचुएशन चल रही है, कन्वर्जन के लिहाज से जो कन्वर्जन कॉस्ट हम लगा रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास जो यानी क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस आ रहा है कितना आ रहा है, 50% आ रहा है, ठीक हो गया। अच्छा, प्रोसेस टू का तो ओपनिंग वर्किंग प्रोग्रेस बताया हुआ है, अब अच्छा ये हमें क्या दिया हुआ था, ये प्रोसेस टू का डेटा दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये है जनाब, ये प्रोसेस टू का डेटा है तो फिर पिछले वाला कौन सा डेटा था, एक मिनट बेटा, एक मिनट जरा, इसका मतलब है कि वो हमें प्रोसेस वन का सारा डेटा दे, तो ये हमें बताया हुआ था कि प्रोसेस वन में क्या क्या चीजें गई है हमारे पास, इसका मतलब है कि इस प्रोसेस ये हमें ये बताया हुआ है कि प्रोसेस वन में जो हमने इनपुट किया था वो 14,000 किया था बेटा, और यूनिट्स ट्रांसफर टू द प्रोसेस टू में कितने गए थे, वो 10,000 गए हैं, और प्रोसेस वन के अंदर ही क्लोजिंग वर्किंग प्रोग्रेस कितने हैं, 4,000। इसका मतलब कोई नॉर्मल लॉस, कोई अबनॉर्मल लॉस, कोई ऐसी चीज यहाँ पे नहीं है बेटा, ठीक हो गया, यानी 14,000 में इनपुट कर रहा हूं और मेरे पास 14 ही आउटपुट आ रही है, 10,000 कंप्लीट आ रहा है और 4,000 मेरे पास वर्क इन प्रोग्रेस आ रहा है यहाँ पे, ठीक हो गया। मटेरियल कॉस्ट एडेड ड्यूरिंग द पीरियड, वो हम कितनी मटेरियल कॉस्ट लगा रहे हैं, वो 70,000 की मटेरियल कॉस्ट लग रही है हमारे पास,
और कन्वर्जन कॉस्ट कितनी लग रही, 48,000 की कन्वर्जन कॉस्ट लगा रहे हैं आप, ठीक होगी बात। अच्छा जी, जरा मैं अब आगे चलता हूं, जरा वापिस उस पर बैठा। आगे फिर हमें परसेस टू की यहाँ डिटेल दी हुई, परसेस टू को हम थोड़ा, चले मैं बाद में, चल मैं थोड़ा बता देता हूँ। ओपनिंग वर्किंग प्रोग्रेस बता दें जीरो है, जो यूनिट कंप्लीट होंगे यहाँ से वो 1,000 होंगे, हमारे पास 10,000 होंगे। वर्क इन प्रोग्रेस में हमारे पास कितना जाएगा, 1,000 जाएगा। यूनिट कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड फिनिश गुड्स वो कितना है, 9,000 हमारे पास आ रहा है। और कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रोसेस वन से कितनी कॉस्ट आई थी हमारे पास, यानी उसकी वैल्यू, तो कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ट्रांसफर फ्रॉम प्रोसेस वन उसकी कॉस्ट दी हुई 90,000 है। कन्वीनियंट कॉस्ट दी हुई 57,000, ये सारी मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट, हेड कॉस्ट दी हुई आपको। अच्छा जी, द मटेरियल फ्रॉम द प्रोसेस वन आर इंट्रोड्यूस एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस टू। अच्छा जी, आगे प्रोसेस टू की सारी डिटेल दी हुई, इसको बाद में देखते हैं, वही स्टोरी होगी। रिक्वायरमेंट कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ द कंप्लीट आउटपुट फ्रॉम प्रोसेस वन एंड प्रोसेस टू, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ द क्लोजिंग वर्किंग प्रोग्रेस कॉस्ट बताएं, और प्रोसेस के अकाउंट्स भी आपने बना रहे हैं, ठीक होगी बात बेटा। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? अच्छा, इक्विवेलेंट यूनिट्स में क्या होता है बेटा, कुछ स्टेप्स हमें हमने हमेशा फॉलो करने होते हैं, ठीक है। वो स्टेप्स कौन से होते हैं? सबसे पहले हम स्टेप वन डिटरमाइन द, हम बनाएंगे हम स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स। तीन स्टेप यहां पे हमने अप्लाई करने होते हैं बेटा, उस स्टेप में थोड़ा सा पहले डिस्कस भी करता हूं और फिर हम इसको अप्लाई भी करते हैं यहां पे। देखिए जरा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले स्टेप वन में हमेशा क्या करना आपने, स्टेप वन हम बनाएंगे यहां पे स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स, ठीक है। यानी सबसे पहले मेजर करेंगे इक्विवेलेंट यूनिट्स कितने, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स हम बनाएंगे सबसे पहले, इक्विवेलेंट यूनिट्स, ठीक हो गया बेटा। सबसे पहले हम ये काम करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स बनाएंगे, मैं भी बना के दिखाऊंगा आपको। स्टेप टू, हम डिटरमिन करेंगे यहां पे, हम फाइंड करेंगे डिटरमिन द कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट बेटा, ठीक हो गया। यानी सबसे पहले इक्विवेलेंट यूनिट्स निकाल लेंगे, फिर कॉस्ट को लेके इक्विवेलेंट यूनिट से डिवाइड करके कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट निकाल लेंगे, ठीक हो गया। देन स्टेप थ्री बेटा, स्टेप थ्री में क्या करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन। यानी ये अभी हमने क्या निकाला, पहले हम निकालेंगे इक्विवेलेंट यूनिट्स कितने हैं। स्टेप टू में सारी कॉस्ट इक्विवेलेंट यूनिट से डिवाइड करके कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट निकाल लेंगे। स्टेप थ्री में कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट को मल्टीप्लाई कर देंगे हम इक्विवेलेंट यूनिट्स के साथ, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो स्टेटमेंट ऑफ इसको बोलते हैं इवैल्यूएशन, इवैल्यूएट करेंगे, वैल्यू देंगे इनको, इनकी वैल्यू निकालेंगे, मतलब कि निकालेंगे नॉर्मल लॉस की वैल्यू क्या है, आउटपुट की वैल्यू क्या है, क्लोजिंग वर्किंग प्रोग्रेस की वैल्यू क्या, तो मल्टीप्लाई कर करके हम इस तरह से लेके आ रहे होंगे। तो दीज थ्री स्टेप्स वी हैव टू परफॉर्म हियर, ठीक हो गया। तो स्टेप वन हमारे पास बेटा क्या है, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स, ठीक हो गया। तो सबसे पहले मैं स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स पे जा रहा हूं, अभी इसको हम अप्लाई करने लगे बेटा। तो स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स हम बनाएंगे अभी हम, ले बेटा तो स्टेप वन हम अप्लाई करने जा रहे हैं, हम इक्विवेलेंट यूनिट्स फाइंड करने जा रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स। चलो लिख भी देता हूं ताकि आपको आसानी रहे। हाँ, क्वांटिटी शेड्यूल भी बना सकते हैं उससे पहले, लेकिन ये बेसिक मेन यही स्टेप्स होते हैं, ठीक है। डाटा जितना भी दिया होगा इसके अंदर ही इंपोर्ट करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स। चलो ये बन गया हमारे पास इक्विवेलेंट यूनिट्स बेटा, बनाए जरा इक्विवेलेंट। सवाल पे जाता हूं मैं जरा, ये मेरे पास सवाल है, ठीक हो गया। ये इसका डेटा गिवन है, हाँ जी बेटा, अब हम बनाते हैं इसके इक्विवेलेंट यूनिट्स। अच्छा, इक्विवेलेंट यूनिट्स हमेशा आपने कैसे बनाने हैं, ठीक है, मैं थोड़ा इसमें आपको आइडिया दे देता हूं। देखिए यहां पे सवाल के अंदर ये आपने ये वाला हिस्सा पढ़ लिया, उसने बता दिया कि इनपुट की आपने 14,000 की, आउटपुट जो आ रही है आपके पास, यानी जो कंप्लीट आ रही है, यानी जो प्रोसेस टू में ट्रांसफर होनी है, वो 10,000 है, और 4,000 मेरे पास क्लोजिंग वर्किंग प्रोग्रेस। तो इनपुट आउटपुट की इक्वल हो रहा है, इसका मतलब कोई नॉर्मल लॉस नहीं, कोई एबनॉर्मल लॉस नहीं, कोई ऐसी चीज यहाँ पे नहीं, ठीक हो गया। इसका मतलब ऐसी कोई चीज नहीं है, तो ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम फाइंड कर लेंगे इक्विवेलेंट यूनिट्स के अकॉर्डिंग और सारी कॉस्ट इसकी, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे हम, ये बात है यहाँ पे। अच्छा जी, अच्छा, वर्किंग प्रोग्रेस 4,000, मटेरियल कॉस्ट एडिट कितनी 70,000 की, और कन्वर्जन कॉस्ट एडिट कितनी हमारे पास 48,000 की है। ये हमारे पास सारी इनकी कॉस्ट भी दे दी कि मटेरियल की कॉस्ट कितनी है, और हमारे पास इसमें कन्वर्जन कॉस्ट कितनी हमारे पास 48,000 है,
जो स्टेप्स मैं अभी बना के दिखाऊंगा आपको, थोड़ा कोशिश करना, आपने हमेशा ऐसे फॉलो करना है, कभी गलती नहीं आपके पास होगी बेटा। हमेशा सबसे पहले यहां लिखिए आप इनपुट, कितनी इनपुट आपने की, ठीक है, जैसे मैंने कल बनाया था। फिर लिखिए यहां पे आउटपुट, आउटपुट कितनी आ गई आपके पास, हमेशा ऐसे कोशिश करें ऐसे लिखा जाए। अब इसके बाद कैटेगराइज करें, कैसे कैटेगराइज करें, सवाल पे जाते हैं, सवाल पे जाके देखें यार हमें यहां पे कॉस्ट किस किस की दी हुई है, यानी हमें जो वैल्यू दी हुई है, यानी जब हम कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे तो किस किस की दी हुई है। यहां सब दो कैटेगरीज ही दी हुई बेटा, ठीक है, यहां एक तो मुझे ये दिया हुआ बेटा, यानी मटेरियल की कॉस्ट दी हुई है और कन्वर्जन कॉस्ट दी हुई। सपोज कर लें कि मुझे मटेरियल की कॉस्ट भी दी होती, मुझे लेबर की कॉस्ट भी दी होती, मुझे ओवरहेड की कॉस्ट भी दी होती, मुझे कोई और कॉस्ट भी दी होती, तो हमने सबको कैटेगराइज कर लेंगे यहाँ पे। तो फिलहाल यहाँ पे क्या है, दो कैटेगरीज हैं, तो मैं यहाँ एक मटेरियल के नाम से लिख लेता हूँ मटेरियल, ठीक हो गया बेटा, और एक मैं इसको कन्वर्जन कॉस्ट के नाम से लिख लेता हूँ कि कन्वर्जन कॉस्ट, ठीक होगी बात। अगर सपोज ऐसा होता कि मेरे पास मटेरियल भी होता, लेबर भी होता, ओवरहेड भी होता, इनडायरेक्ट ओवरहेड भी होता, लाइक ऐसी चीजें भी होती, मैं सबकी अकॉर्डिंगली हेडिंग बनाता जाता यहाँ कि मैंने बेसिकली निकालना क्या है, मैंने निकालना है इक्विवेलेंट यूनिट्स। तो मैंने यूं निकालना है कितने इक्विवेलेंट यूनिट्स हैं अकॉर्डिंग टू मटेरियल, यानी मटेरियल कॉस्ट का हिसाब लगाऊं तो मटेरियल कॉस्ट किन किन यूनिट्स पे लग चुकी हुई है, तो मटेरियल कॉस्ट के लिए कितने इक्विवेलेंट यूनिट्स हैं, फिर लेबर कॉस्ट के लिए, यानी लेबर कॉस्ट कितने यूनिट्स पे लग चुकी है, तो लेबर कॉस्ट के हिसाब से कितने इक्विवेलेंट यूनिट्स हैं, फिर ओवरहेड्स के हिसाब से कितने इक्विवेलेंट यूनिट्स हैं, फिर इसी तरह और अदर कोई और कॉस्ट उसके हिसाब से कितने इक्विवेलेंट यूनिट्स हैं। तो हर एक कैटेगरी को अलग अलग हम मेंशन कर लेते होते हैं हमेशा ऐसे, ठीक हो गया। तो बरस ये सवाल थोड़ा सिंपल है फिलहाल और इतना डिटेल में वो अब जाता भी नहीं, तो मैंने वैसे बता दिया आपको कि अभी दो कैटेगरी थी मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट, मैंने दो ही लिख दी यहाँ पे, तो मैं दो के अकॉर्डिंगली ही इसको बना दूंगा। अच्छा सवाल में अभी हमने पढ़ा था कितना इनपुट किया, हमेशा पहले इनपुट लिख लें कितना बेटा इनपुट किया। अब ये सवाल सिंपल है, मैं फिर भी दो चीजें बता दूंगा आपको, 14,000 इनपुट है और आउटपुट कितना बेटा 10,000 और 4,000, ठीक हो गया। हमेशा लिखे यहाँ पे इनपुट कितनी की क्वांटिटी के हिसाब से लिख रहे, इक्विवेलेंट यूनिट्स निकालने जा रहे बेटा, ठीक है। स्टेटमेंट वन में हमने यूनिट्स निकालने, कोई करेंसी वैल्यू नहीं इस्तेमाल कर रहा मैं यहाँ पे। तो 10,000 केजीज मैंने इनपुट किए जनाब, ये इनपुट। आउटपुट मेरे पास क्या है, यहाँ हेडिंग दे रही है यहाँ पे, एक तो यू लिख लें, मैं प्रोसेस टू में जा रही, मैं फिनिश गुड फिलहाल लिख रहा हूँ, इसके लिए फिनिश हो, और फिर वर्क इन प्रोग्रेस लिख लें ऐसे। सपोज कोई लॉस हो गया नॉर्मल, वो भी लिख लें आप यहाँ पे। सपोज कोई एबनॉर्मल लॉस गेन, ये वो भी आ गया, वो भी आप यहाँ पे लिख लें। ये तीन चार कैटेगरीज ही होती है, इसके अलावा कुछ नहीं होता, आपको पता ही है। तो जो जो भी आ रहा है आपके पास, फिनिश गुड्स लिखें, वर्क इन प्रोग्रेस लिख लें, अगर ये बैलेंस ना हो रहा होता तो कोई लॉस आ रहा होता तो नॉर्मल लॉस लिख लें, कोई एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन हो तो उसको भी लिख लें यहाँ पे, ठीक हो गया। तो फिनिश गुड्स मेरे पास कितनी आई फिलहाल, फिलहाल थोड़ा गलत हो गया, हमने इनपुट मैंने कितना किया 10,000, मैंने 14,000 किया, ठीक है। तो इनपुट मैं यहाँ पे लिख लूंगा बेटा 14,000 बेटा, और फिनिश गुड मेरे पास क्या आ रही है यहाँ पे 10,000, तो ये 10,000 आ जाएगा, और वर्क इन प्रोग्रेस कितना आ गया मेरे पास, ये 4,000 आ गया, ठीक है। अभी फिलहाल सवाल में है नहीं, मैंने इसलिए लिख दिया, मैं अभी समझा दूंगा बाद में फंसे ना मैं, तो इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे इसको कैटेगरी, अगर कोई यूनिट्स होंगे तो उसको भी यहाँ पे लिख लेंगे। तो इसमें आप माहिर हैं, आप निकाल ही लेते हैं। अब आपको समझ आ जाती है कि नॉर्मल लॉस की परसेंटेज दी होती है 2% नॉर्मल लॉस, तो आप निकाल लेते होते हैं, और आप मुझे पता है कि आप ये भी निकाल लेते हैं कि एबनॉर्मल लॉस कितना और एबनॉर्मल गेन के यूनिट्स कितने, वो टोटल आउटपुट के हिसाब करके आप निकाल लेते होते हैं। तो वो वैसे ही आप दो यूनिट्स होंगे वो यहां आउटपुट कर देंगे, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट के लिहाज से, अच्छा एक बात हमेशा आपने याद रखनी है, मैं आप समझा रहा हूं बड़े गौर से बात पे कर लिया आपने। फिनिश गुड्स का मतलब क्या है, जो कंप्लीट गुड्स है, तो वो हमेशा कंप्लीट ही होगी, तो वो किसी भी कैटेगरी, इसको सवाल को भी ज्यादा देखने की जरूरत नहीं होगी, मतलब कि अब फिनिश गुड्स है मटेरियल, इसके ऊपर कितना लग चुका होगा, हमेशा 100% लग चुका होगा। और फिनिश गुड्स से कन्वर्जन कॉस्ट कितनी लग चुकी होगी, हमेशा 100% लग चुकी होगी। अगर और कैटेगराइज भी होती, सपोज लेबर कॉस्ट होती, मैं कहता हूँ वो भी 100% लग चुकी है, ओवरहेड की हो तो वो भी 100% लग चुका है, इसी तरह हमारे पास कोई और इसके अलावा कॉस्ट होती, ये फिनिश गुड्स का मतलब ये फिनिश है, दिस इज कंप्लीट रेडी फॉर सेल, तो ये हर एक के लिहाज से 100% ही होती है, ठीक हो गया। जो फिनिश गुड को आप परसेंटेज देंगे हमेशा बेटा, वो आप एबनॉर्मल लॉस को भी परसेंटेज देंगे, ये एबनॉर्मल लॉस भी हो सकता है, ये एबनॉर्मल गेन भी हो सकता है, गेन या लॉस जो भी आपके पास है, जिस पे हमने फिनिश गुड्स को वैल्यू करना होता है उसी पे हमने एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन को भी उसी हमने पर यूनिट्स पे ही वैल्यू करना होता है, ठीक हो गया। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे कि वो 100% है। नॉर्मल लॉस मैंने कल भी बताया था बेटा आपको, ये हमेशा कितने परसेंट होता है, 0% होता है, फिलहाल इसकी डिस्कशन में मैं नहीं जाता, अभी आप सवाल पहले समझ लें, फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको सारे कॉन्सेप्ट आते जाएंगे, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता
हम सवाल करते जाएंगे तो आपके और कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे आपको। अच्छा जी, अब आ जाते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस ये कभी भी हम खुद नहीं लिखेंगे, बाकी सारा आपके सामने मैंने सवाल पढ़े बगैर लिख दिया। ये वर्क इन प्रोग्रेस सवाल में डिटेल दी होगी, काम अभी हो रहा है, कितना हुआ है, कितना अभी रहता है, ये सवाल ही बताएगा हमें कि क्या सिचुएशन है इसकी। तो सवाल पे चलते हैं, सवाल बताएगा हमें इसकी क्या सिचुएशन है। नेक्स्ट पेज पे इसकी डिटेल दी होगी। ये कहते हैं मटेरियल्स आर इनपुट इनटू द प्रोसेस वन एट द स्टार्ट द प्रोसेस एंड कन्वीनियंट कॉस्ट आर इनकर्ड एट अ कांस्टेंट रेट थ्रू आउट द प्रोसेस। हाँ जी, इस लाइन का मतलब क्या, जरा मुझे बताएंगे मतलब क्यों बच्चा। मटेरियल कॉस्ट आर इनकर्ड इन प्रोसेस वन एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस। उसका ये कहना है कि जो मटेरियल लगाना था हमने प्रोसेस वन के स्टार्ट पे लगा दिया है, यानी उसका ये कहना है कि मटेरियल जितना भी लगना है वो लग चुका हुआ है, बेशक वो यूनिट कंप्लीट हैं या अभी कंप्लीट नहीं हुए। मटेरियल जो लगाना था हमने प्रोसेस के स्टार्ट में सारा लगा देते हैं, यानी मटेरियल क्या है 100% लग चुका है। उसके बताने का मतलब यह है आप मटेरियल के हिसाब से देख रहे हैं, आप किसी भी मटेरियल के हिसाब से देख रहे हैं, जो आप वो जो भी आप यूनिट बना रहे हैं, बेशक वो फिनिश है बेशक वो फिनिश नहीं है, मटेरियल हमने स्टार्ट में लगा चुका है, तो मटेरियल लग चुका हो जितना जो मटेरियल लगाना था। मटेरियल्स आर इनपुट इनटू प्रोसेस वन एट द स्टार्ट, जब स्टार्ट का वर्ड यूज कर रहा है इसका मतलब मटेरियल सारा लग चुका हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि मटेरियल सारा लग चुका है। ठीक है, आगे एंड कन्वर्जन कॉस्ट, अब मटेरियल के अलावा बाकी कॉस्ट की बात करने जा रहा है बेटा। एंड कन्वर्जन कॉस्ट आर इनकर्ड एट अ कॉन्स्टेंट रेट थ्रू आउट द प्रोसेस। इसका मतलब क्या है, कहते हैं जो कन्वर्जन कॉस्ट है ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट है। इवनली डिस्ट्रीब्यूट समझते बेटा आप, यानी 12 महीने हैं तो सपोज एक महीने की 1000 है तो 12 महीने की 12-12 हजार है, एक तो ये बात है। और जितने जितने यूनिट्स कंप्लीट हो रहे उतनी उतनी कॉस्ट लग रही, जितने नहीं हो रहे उतनी नहीं लग रही, यानी जितने परसेंट यूनिट्स कंप्लीट है उतने परसेंट कॉस्ट लगेगी। ठीक हो गई यहाँ पे। अच्छा जी, यानी ये सवाल को पिक करना समझ नहीं, ये मत समझे कि ये मैं क्वेश्चन बैंक का एक सवाल कर रहा हूँ, मैं पूरा कॉन्सेप्ट आपको वर्क इन प्रोग्रेस का क्लियर कर रहा हूँ। आप किसी भी तरह का सवाल आपके पास आ जाए वर्क इन प्रोग्रेस का, ये सब इक्विवेलेंट यूनिट्स का आप हैंडल कर लेंगे अगर ये टेक्निक आपको आती है, किसी भी किस्म का सवाल, दुनिया को कोई मुश्किल से मुश्किल सवाल दे दे आप हैंडल कर देंगे। अच्छा, एक बच्चा कह रहा है कि मिस्सी लगती है रहने ऐसे लगती रहनी है कन्वर्जन कॉस्ट। आज कन्वर्जन कॉस्ट जैसे मैंने सवाल पे बताया हुआ और मटेरियल एक ही दफा लगनी है। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि मटेरियल एक ही दफा लगना हो, ऐसा जरूरी नहीं होता बेटा, कुछ होती है प्रोडक्ट को हमें सवाल में बताएगा ना। इस सवाल में उसने कह दिया कि मटेरियल स्टार्ट भी लग रहा है, हो सकता है हम कोई और सवाल पढ़ रहे हैं वहां कह जाइए मटेरियल ने अभी लगना है, मटेरियल अभी 60% लगा है बाकी लगना है, तो मैं उसको फॉलो करूंगा जैसे वो स्टेटमेंट देगा। मैंने वह भी बताया आपको कि ये जो हम बनाने जा रहे हैं यहाँ बेटा सवाल में, हम क्या बनाने जा रहे हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे बनाने जा रहे हैं बेटा, हम बनाने जा रहे हैं वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यू। कि वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यू कभी आपने खुद नहीं चलानी, मेरे बात कि वर्क इन प्रोग्रेस का डाटा वो देगा कि वर्क कितना हुआ है कितना नहीं हुआ क्या प्रोग्रेस है, ये डिटेल्स में कोई स्टैंडर्डाइजेशन हम नहीं चला सकते, ये हमें सवाल से उठाना है। बाकी फिनिश गुड्स हमेशा 100-100 चला देनी आपने, एबनॉर्मल लॉस एबनॉर्मल गेन 100-100, नॉर्मल लॉस 0, ये सब चल जाएगा, लेकिन वर्क इन प्रोग्रेस सवाल जो देगा वो उस पर चलेगा, हम नहीं चलाएंगे उसको। तो सवाल को देखेंगे आराम से पढ़ेंगे, हर बताया क्या होगा आपको, मटेरियल के लिहाज से कितना है, लेबर के लिहाज से कितना है, ओवरहेड्स के लिहाज से कितना है, या जो जैसे भी दिए मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट के लिहाज से कितना है। ठीक है, अच्छा ये आगे चलते हैं। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस इन प्रोसेस वन एट द एंड ऑफ द जर्नी इज एस्टिमेटेड टू बी 50% कंप्लीट फॉर वर्क कन्वर्जन कॉस्ट। खुद बता दिया यार उसने आपको, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, उसे खुद ही बता दिया, अक्सर स्टेटमेंट समझ नहीं आ रही होती, उसे बता दिया कि यार कन्वर्जन कॉस्ट के लिहाज से आपके जो इक्वल यूनिट्स है वो 50% कंप्लीट होंगे, तो ठीक है यार इट्स वेरी सिंपल, हम यहाँ 50% ले लेते हैं, लेकिन जो स्टेटमेंट देगा हम उस हिसाब से चलेंगे बेटा। ठीक हो गया, तो इसकी बात एक बार समझ आ गई, मटेरियल के लिहाज से ये 100% है बेटा और कन्वर्जन कॉस्ट के लिहाज से क्या है ये 50% है। अगर मटेरियल स्टार्ट पे नहीं लगा तो ट्रीटमेंट डिफरेंट होगा, बिल्कुल बेटा डिफरेंट होगा ना, वो ये कहता है कि मटेरियल अभी ये कह सकता था कि मटेरियल अभी 80% लगा है, कन्वर्जन कॉस्ट 50% लगी है, तो मैं यहां पे फिर क्या करता, मैंने यहां भी आपके सामने मैंने यहां पे जो 100 लिखा है ये वाला मैं इसकी जगह 80 लिख देता। वो ये कह सकता कि मटेरियल अभी खाली लगा ही 20% है, कन्वर्जन कॉस्ट हाई लग गई है, तो फिर मैं यहां 20 लिख देता, कन्वर्जन कॉस्ट में 100 लिख देता कि सारी लगी। तो जैसे वो स्टेटमेंट देगा हमने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली बेटा चलना होता है। ठीक होगी बात, हम खुद से नहीं चल सकते, जैसे वो हमें स्टेटमेंट देगा हम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली चलेंगे। ठीक होगी बात यहां तक बेटा। तो ठीक है, हमने इनपुट किया हुआ, ये हमने इनपुट किया था, इनपुट पे हमारे पास आउटपुट पे चलिए बैलेंस कर लें इसको, ये आप बैलेंस यहां पे करके देख लिया करें हमेशा ये बराबर हो रही कि नहीं हो रही। इसका मतलब है कि हमने 14,000 इनपुट किया, 14,000 ही आउटपुट आ रही है,
अब इसकी कैटेगरी के हिसाब से हम इसको बनाएंगे, ठीक है। अब ये 10,000 है, ये 100% या 10,000 का 100% नहीं, मटेरियल में क्या आता है, ये 10,000 ही आ जाएगा बेटा। अब 4,000 इसका 100% नहीं, यहां पे 4,000 ही आ जाएगा। अब ये 0 का 0% नहीं, 0 ही आ जाएगा। 0 का 100% नहीं, ये भी 0 ही आ जाएगा। तो ऐड करें, यहां पे क्या आता है, मटेरियल के हिसाब से कितने इक्वल यूनिट्स हमारे पास, 14,000 इक्वल यूनिट्स हमारे पास। इसी तरह ये आउटपुट ले, ये कन्वर्जन कॉस्ट भी आपको दी हुई है, तो ठीक है। फिनिश गुड्स है, ये 10,000 इसका 100% लिया तो ये क्या आएगा मेरे पास, ये 10,000 आ गया बेटा, ठीक हो गया। अब 4,000 है, इसका 50% लिया तो हमारे पास क्या आ गया, ये 2,000 आ गया, यहां 0 आ गया बेटा, और ये नॉर्मल लॉस 50 तो ये 0 आ जाएगा, तो मेरे पास ये 12,000 आ गया। तो मैं इस सवाल में यूं कह सकता हूं, मैं भी अब हैंड सारा कराता जा रहा हूं आपको, मैं इस सवाल में ये कह सकता हूं मटीरियल के लिहाज से मेरे पास इक्वल यूनिट्स कितने हैं, 14,000 है। कन्वर्जन कॉस्ट के लिहाज से मेरे पास इक्वल यूनिट्स कितने हैं, 12,000 है। तो ये पहली जो बात अभी हमने की थी, स्टेटमेंट ऑफ इक्वल यूनिट्स, वो मैंने निकाल दिया आपको। ये सवाल सिंपल है, इसी तरह से बेटा अगर आगे चलता मैं, लाइक मुझे लेबर की दी होती तो मैं लेबर के हिसाब से भी चेक कर लेता, मैं चेक खाली वर्क इन प्रोग्रेस ही करना होता, ये बात याद रहे, बाकी सब कुछ 100 और नॉर्मल लॉस को 0 चलाना होता। तो वर्क इन प्रोग्रेस जो डिटेल दी होगी उसके हिसाब से हम चला देंगे। यहां तक किसी को कोई मसला बेटा, इज इट क्लियर, अंडरस्टैंड बेटा, चलो मैं आगे, शुड आई कंटिन्यू, क्लियर हो गया जनाब। अब मैं जा रहा हूं स्टेप टू पे, कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है, ठीक है। जरा गौर से बात आपने पिक करनी, कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालनी है, ठीक है। ये सवाल मैं सिंपल मैं आपको उसमें और बता देता हूँ जो जो चीजें आती हैं इसमें। अच्छा जी, ये मेरे पास ये आ गया, नहीं ये हमने मटेरियल और लेबर के हिसाब से वर्किंग करें, हमेशा कोशिश करें इसके नीचे लिखा जाए, कैसे लिखा जाए इसके नीचे, एक मिनट, यहां पे ये आ गया मेरे पास। अब मैं स्टेप टू अप्लाई करता हूं, जगह थोड़ी सी कम है तो मैं यहां से लिख रहा हूं स्टेप टू। स्टेप टू क्या था, कॉस्ट पर यूनिट, चलें जी कॉस्ट पर यूनिट निकले आप, स्टेप टू कॉस्ट पर यूनिट आएगी। अब बताएं मुझे मटेरियल की कॉस्ट कितनी है, सवाल से देख के बताएं इसकी कॉस्ट कितनी है, और लेबर कन्वर्जन कॉस्ट कितनी। इसी तरह अगर लेबर होता, आगे ओवरहेड्स होता, आगे की और चीज भी होती, सबकी कॉस्ट अलग अलग लिखेंगे, क्योंकि सबके अलग अलग इक्वल यूनिट्स हैं, इसलिए सबकी अलग अलग कॉस्ट आएगी हमारे पास यहाँ पे, ठीक हो गया। तो सबके अलग अलग यहाँ पे मेंशन कर लेंगे, सवाल से देख लेते बेटा, बिस्मिल्लाह। लेकिन सवाल में देखिए बेटा, तो क्या हमें कॉस्ट दी हुई है, मेटीरियल की कॉस्ट हमें 70,000 रुपीज दी हुई है और कन्वर्जन कॉस्ट मुझे 48,000 रुपीज दी हुई है। अच्छा जी चलिए उस पर आ जाते हम, 70,000 48,000 बेटा, तो ये मेरे पास 70,000 आ गया, हाँ बेटा ये मेरे पास 70,000 आ जाएगा, दिस इज 70,000 रुपीज, और ये 48,000 रुपीज आ गई मेरे पास कन्वर्जन कॉस्ट, ठीक होगी बात। अच्छा मुझे यही रुक के जरा बताएं कि कॉस्ट पर यूनिट हम कैसे निकाला करते थे, आपने मुझे बताया था, आप हमने 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 कल सॉल्व भी किया था, हम टोटल कॉस्ट लेते हैं उसको डिवाइड करते हैं यूनिट्स के साथ, तो यूनिट्स कौन से लिए करते हैं हमेशा हम, एक्सपेक्टेड आउटपुट, ये बात याद है, एक्सपेक्टेड आउटपुट। हम हमारे हमारा सवाल क्या होता था, इक्वल यूनिट्स मैंने ठीक आपको सिखा दिया, मुझे हम मैं थोड़ा सा उस पर जाता हूं, एक और शीट लेकर होगा यहां कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं, यहां वेरिएशन आएगी। लेकिन नॉर्मली हम कैसे निकाला करते थे, कॉस्ट पर यूनिट हम यू निकालते थे, कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू, हम टोटल कॉस्ट लेते थे बेटा, डिवाइड करते थे इसको हम एक्सपेक्टेड आउटपुट के साथ, ये बात याद है, ऐसे ही बेटा, ठीक है। यहां भी जो हम आउटपुट चला रहे हैं बेटा, ये एक्सपेक्टेड आउटपुट ही है। अच्छा एक्सपेक्टेड आउटपुट कैसे आती है जरा मुझे बताएं, जरा ये मुझे बताएं, एक्सपेक्टेड आउटपुट कैसे आती है, यानी हमने जो इनपुट किया होता है उसमें से क्या चीज माइनस कराते हैं, जल्दी जल्दी जल्दी, नॉर्मल लॉस को हम माइनस करा लेते हैं तो हमारे पास आ जाती है एक्सपेक्टेड आउटपुट, ठीक हो गया। तो अगर आप सवाल पे जरा गौर से देखें बेटा, सवाल को जरा गौर से देखें, यहां पे मैं जो ये कॉस्ट दूंगा, ये 70,000 की मैं टोटल कॉस्ट दूंगा और इसको डिवाइड करूंगा एक्सपेक्टेड आउटपुट। अब मैं क्या कर रहा हूं यहां पे, देखिए मैं 10,000 पूरा ले रहा हूं यहां पे, ये 10,000 आ रहा है, 4,000 पूरा ले रहा हूं, नॉर्मल लॉस को आपके सामने मैंने 0 लिया था, यानी मैंने माइनस करा दिया। अगर नॉर्मल लॉस को यूनिट्स होते भी तो यहां 0 ही आना था, नॉर्मल लॉस से 200 यूनिट्स होते, 300 यूनिट होते, मैंने इसको 0% लेना है, क्योंकि ये मैं बना रहा हूं एक तरह से एक्सपेक्टेड आउटपुट, मैंने इनपुट यहां पे नॉर्मल लॉस लेना ही नहीं, यानी टोटल में से नॉर्मल लॉस हमने 0 करा देना है, यानी माइनस करा देना उसमें से। अगर सपोज यहां पे कोई यूनिट्स आ भी रहे होते, सपोज को 1,000 होता, इसको 0% तो 0 ही निकलना था यहां पे, अभी तो नहीं है सवाल में,
तो पर हम इस इसी तरह इसको ये जो मैं 14,000 से डिवाइड कर रहा हूं इसको, तो इसमें से नॉर्मल लॉस माइनस हुआ होगा, ठीक हो गया। अच्छा ये दूसरी बात, एक और चीज हम इसमें क्या करते थे, अगर मैंने एक और बात ठीक है नॉर्मल लॉस हमें जीरो करा दिया, नॉर्मल लॉस के अगर कोई स्क्रैप वैल्यू है उसका इफेक्ट क्या आता था जरा बताया मुझे जरा, इस कॉस्ट पर यूनिट पे क्या इफेक्ट आता है, हम क्या करते थे, हम लेस करवाते थे उसको यहां से टोटल कॉस्ट में से बेटा, यहां से हम कहते थे नॉर्मल लॉस की कितने यूनिट है, नॉर्मल लॉस की यूनिट्स ले ले आप, यानी उसके यूनिट्स लेके यूनिट्स को किससे मल्टीप्लाई करते थे हम यहां पे स्क्रैप वैल्यू कह ले आप, चले SV1 लिख दिया स्क्रैप वैल्यू, यानी टोटल कॉस्ट में से माइनस करते थे नॉर्मल लॉस की यूनिट्स मल्टीप्लाई स्क्रैप वैल्यू। तो यहां भी आपने हमेशा ऐसे ही करना है बेटा, यहां सवाल में मेरे पास नहीं है वो नॉर्मल लॉस, अगर होता तो मैं मटेरियल का स्क्रैप यही माइनस कराता, यानी अगर ये सवाल तो सिंपल है, अगर इसका कोई स्क्रैप होता मैं इसको कैसे करता, जरा मैं यही आइडिया देता हूं आपको, मैं इसको यूं करता, मैं यूं करता, मैं कहता जनाब कि मेरे पास ये मटेरियल की कॉस्ट है 70,000 माइनस, अगर कोई नॉर्मल लॉस होता सपोज 1,000 का होता, सपोज कर ले स्क्रैप इसकी 2 रुपए होती, मैं मल्टीप्लाई करता 2,000 निकलता, 70 में से कोई 2,000 माइनस करवाता, डिवाइड करता है इसको एक्सपेक्टेड आउटपुट, एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या होता है नॉर्मल लॉस नहीं है, तो ये 14,000 यहां से लेकर आ रहा हूं वहां नॉर्मल लॉस नहीं है, नॉर्मल लॉस को मैंने जीरो लिया हुआ वहां पे, तो ठीक है 14,000 यहां पे, तो ये कॉस्ट पर यूनिट वही निकला जो हम निकाला करते थे, ठीक हो गया। इस सवाल के अंदर नॉर्मल लॉस नहीं गिवन, उसकी स्क्रैप वैल्यू नहीं गिवन, अगर नॉर्मल लॉस होता तो मैंने बताया है स्टेप वन में हमने नॉर्मल लॉस को 0% एज्यूम करना है, 0% एज्यूम करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्विवेलेंट यूनिट्स के अंदर नॉर्मल लॉस नहीं आएगा, बाकी सब कुछ आ जाएगा, बाकी आप सब कुछ आ जाएगा लेकिन नॉर्मल लॉस नहीं आएगा उसके अंदर, और कॉस्ट में से हम स्क्रैप वैल्यू ऑफ द नॉर्मल लॉस हम माइनस करेंगे। एक बात याद है कि होता क्या है बेटा, मटेरियल का स्क्रैप होता है तो सारी की सारी स्क्रैप वैल्यू मटेरियल की कॉस्ट में से माइनस करनी है, हालांकि कन्वर्जिंग कॉस्ट मैंने अलग रखी हुई है, वहां से कुछ स्क्रैप माइनस नहीं करना, कभी लेबर का स्क्रैप नहीं होता, ओवरहेड का स्क्रैप नहीं होता, मटेरियल जो हमने लगाया होता है उसका ही कुछ ना कुछ स्क्रैप बाकी बचता है, बात समझ आ रही बेटा, इसलिए हम स्क्रैप वाली जो भी होगी वो खाली मटेरियल की कॉस्ट में से माइनस करेंगे, वो कन्वर्जन कॉस्ट या लेबर कॉस्ट अगले वाली कॉस्ट में से हम इसको माइनस नहीं करेंगे, सिर्फ मटेरियल कॉस्ट में से, क्योंकि मटेरियल का ही हमेशा स्क्रैप होता है, बाकी इतनी चीजों का स्क्रैप नहीं होता, क्यों जी ये बात समझ आई बेटा आप सबको, इज इट क्लियर। अच्छा मैं सवाल पूरा करता हूं ना, फिर एक दो फिगर खुद डाल के मैं चला के दिखा दूंगा आपको, यार ये फिगर आ भी रही है तो कैसे जा रही है, आपको समझ आ रही है, और समझ आ रही है। तो लिहाजा फिलहाल इस सवाल, ये सवाल सिंपल था बेटा, तो इसलिए सिंपल था तो हमने क्या किया था यहां पे, गौर से समझ नहीं पाते, मैंने प्रोसेस को सॉल्व नहीं करना, मैं पहले बता दूं आपको, ये मैंने आपसे करवाना है सॉल्व अभी के भाई। अच्छा जी सारी कॉस्ट हमने ले ली, ये 70,000 की कॉस्ट थी, डिवाइड किया उसको हमने 14,000 के साथ, इसी तरह से यहां पे हमने ये 48,000 की कॉस्ट ली बेटा, उसको डिवाइड किया मैंने 12,000 के साथ, 12,000 के अंदर भी नॉर्मल लॉस नहीं है, 14,000 के अंदर भी नहीं है, डिवाइड किया तो कॉस्ट पर यूनिट निकल रहा है मेरे पास, लेकिन ये उस तरह का यूनिट नहीं है मेरे पास, इट्स अ डिफरेंट लिटिल बिट डिफरेंट है ये मेरे पास, ठीक हो गया। तो कैसे डिफरेंट है, यानी ये मेरे पास आया, मेरे पास क्या आ रहा है यहाँ पे, ये मेरे पास तो 5 आ रहा है, ये 5 और ये 4 आ रहा है, ठीक है ये 5 है बेटा, ये 5 क्या है, ये 5 रुपीज पर इक्विवेलेंट यूनिट ऑफ मटेरियल, ये 5 रुपीज पर इक्वल यूनिट ऑफ मटेरियल है, इसी तरह ये क्या आएगा, ₹4 पर इक्विवेलेंट यूनिट ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट, ठीक हो गया। यानी 5 रुपए इक्विवेलेंट, यानी अगर हम यूं कह लें कि मटेरियल के हिसाब से पारिगण कॉस्ट कितनी है 5 रुपए है, और कन्वर्जन कॉस्ट के हिसाब से हमारे पास कॉस्ट पर कितनी है 4 रुपए जनाब, तो ये कॉस्ट पर इक्विवेलेंट यूनिट ऑफ मटेरियल 5 रुपीज है, कॉस्ट पर इक्वल यूनिट ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट 4 रुपीज है बेटा, स्टेप टू कॉस्ट पर इक्वल यूनिट हमने निकाल लिया है, ठीक है दोनों को ऐड कर लेंगे तो टोटल आ जाएगा, एक बच्चा पूछ रहा है, तो दोनों को अगर आप ऐड कर ले बेटा, अगर आप दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास टोटल आ जाएगा, टोटल की वैल्यू आ जाएगी कि टोटल के हिसाब से कितना है हमारे पास, ठीक होगी बात बेटा, यहां तक कोई मसला भी, इज इट डन। अच्छा आगे चलता हूं मैं, स्टेप 3 पे जा रहा हूं मैं, स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन बनाने लगा हूं,
स्टेटमेंट ऑफ वैल्यूएशन। एक मिनट बेटा, इसको करीब करीब कर लेना कि आपके पास नजर आए आप लोग। चले स्टेप थ्री। स्टेप थ्री हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन अप्लाई करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन का मतलब कि हम इवैल्यूएट कर वैल्यू निकाल रहे हैं। यहां पे निकालेंगे हम स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन, यानी हम वैल्यू को यहां पे कैलकुलेट करने जा रहे हैं। निकाले जरा वैल्यू, कॉस पर इग्नोरिंग हमने निकाला हुआ है। स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन ठीक हो गया, नहीं जी। अब इसको कॉस्ट, अब हम वैल्यू निकाल लिया, हमने क्या वैल्यू निकाल लिया, हमारे पास आउटपुट क्या आया बेटा, यहां पर देख लें, हम सवाल में देख लें, चलो कैसे निकालते हैं जरा समझ लें बाद में गौर से। एक तो मेरे पास आउटपुट आई है फिनिश गुड इस सवाल के अंदर, ठीक है, मैं बाकी भी साथ में लाते जाता हूं। एक मेरे पास आउटपुट आई है फिनिश गुड, एक आया है मेरे पास वर्क इन प्रोग्रेस, एक आया है नॉर्मल लॉस, एक आया है एबनॉर्मल लॉस। ये चार चीजें मेरे पास, ठीक है जी, चारों ले जाता हूं मैं वहां पे, तो चारों की चारों चीजें मैं यहां लिखवा देता हूं। तो मेरे पास आउटपुट क्या है, हमेशा ये जब भी आपने स्टेप थ्री करना है ना, स्टेप वन पे वापस जाना है कि यार हमारे पास आउटपुट निकली क्या क्या, जो आउटपुट आई उसी की तो वैल्यू निकाल लेनी यहां पर। अच्छा जी, तो एक मेरे पास क्या है यहां पे, फिनिश गुड्स कर लिया आप यहां पे, ठीक हो गया, ठीक हो गया बेटा। और एक मेरे पास क्या आया है, वर्क इन प्रोग्रेस कर ले चले। और मेरे पास क्या आया है, हाँ जी बेटा, समझाने के लिए मैंने साथ चला रहा था कि आप किसी और सवाल में वो अब नॉर्मल लॉस वाला या गेन वाला लेके बैठे रहे, अब समझ आ जाए भी कैसे साथ से चल रहा है, ठीक है, हाँ जी। और अब नॉर्मल लॉस कर लें और सिंपल नॉर्मल लॉस कर लें, ठीक हो गया, ठीक हो गया, हाँ जी। कैसे मेंशन करेंगे यहां पे, वैल्यू कैसे देंगे यहां पे, सबसे पहले आप लिखेंगे यहां पे इक्विवेलेंट यूनिट्स कितने हैं। देखें अब इक्विवेलेंट यूनिट्स की कितनी कैटेगरीज हमारे पास, दो कैटेगरीज हैं, तो दोनों के हिसाब से लिख दें। यूं लिख दें आप फिनिश गुड्स मटेरियल के हिसाब से लिख दें और कन्वर्जन कॉस्ट के हिसाब से लिख दें, यूं लिख दें आप। वर्क इन प्रोग्रेस मटेरियल के हिसाब से भी लिख दें और कन्वर्जन कॉस्ट के हिसाब से भी लिख दें। एबनॉर्मल लॉस वगैरह मटेरियल के हिसाब से लिख दें और कन्वर्जन कॉस्ट के हिसाब से लिख दें। इस तरह ये मटेरियल के हिसाब से लिख दें और कन्वर्जन कॉस्ट इस तरह लिख दें, या बेशक ऊपर हेडिंग दे दें। दो तरीके आपके पास, दो तरीके हैं, आप मटेरियल के हिसाब से भी लिख सकते हैं, आप इसको कन्वर्जन कॉस्ट के हिसाब से भी लिख सकते हैं, ठीक हो गया बेटा। अच्छा जी, मुझे फिनिश गुड्स बताएं जरा, मटेरियल के हिसाब से कितनी और कन्वर्जन कॉस्ट के हिसाब से इसके इक्विवेलेंट यूनिट्स क्या बताने हैं आपने, मुझे इक्विवेलेंट यूनिट्स बताने बेटा, आप क्या बताने हैं, इक्विवेलेंट यूनिट्स, ठीक है। आप ये इक्विवेलेंट यूनिट्स कहां से, अभी हमने स्टेप वन किया बेटा, वहां से मिल जाएंगे आपको फिनिश गुड्स मटेरियल कितने इक्विवेलेंट यूनिट्स, जो जो निकाला सारी वैल्यू पुट करते जाएंगे, बस कुछ भी नहीं करना हमने। अब देखें ये यहां पे आ रहा है, ये 10,000 यहां पे आ रहा है जनाब, और ये यहां पे क्या आ रहा है, 10,000 ही आ रहा है। फिनिश गुड्स मटेरियल के लिहाज से भी 10,000 है और कन्वर्जन कॉस्ट के लिहाज से भी 10,000 है, तो ठीक है, दोनों में 10,000 हम यहां पे पुट करते हैं आगे, कि मटेरियल के लिहाज से भी 10,000 है और अच्छा ये 10,000 मटेरियल के लिहाज से भी और कन्वर्जन कॉस्ट के लिहाज से भी। इसी तरह आप वर्क इन प्रोग्रेस के हिसाब से देख लें, फिर सवाल पे वापस जाते हैं, स्टेप वन पे वापस जाऊंगा मैं, स्टेप वन देखूंगा बेटा, स्टेप वन में देखते हैं बेटा, स्टेप वन में क्या कहा हुआ, वर्क इन प्रोग्रेस मटेरियल के लिहाज से 4,000 है और मेरे पास कन्वर्जन कॉस्ट के लिहाज से ये 2,000 है, दिस 2,000 एंड 4,000, ये दो मेरे पास है, तो ठीक है 4,000 2,000 दोनों को ले लेंगे, यहाँ पे 4,000 भी ले लेंगे और 2,000 भी ले लेंगे, 4,000 एंड 2,000 इसमें कर लेंगे, 4,000 भी आ जाएगा मटेरियल के लिहाज से, ये 2,000 आ जाएगा, हमेशा वर्किंग प्रोग्रेस में फर्क आ करके बाकी में नहीं आएगा। मटेरियल के लिहाज से कितने ये जीरो थे यार, अगर होते ही तो वो भी मैं यहाँ पर लिख देता, ठीक हो गया। अब इसको सिंपल आप मल्टीप्लाई कर दें, अभी आपने रेट निकालने वो रेटों से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब वैल्यू देखिए जरा, अभी वेट करें बेटा, वेट समझ लें, पहले चीजें समझ तो लें। अच्छा जी, देख लें जरा, अभी हमने क्या निकाला यहाँ पे, ये स्टेप वन अलग कर रहा हूँ, स्टेप टू अलग कर रहा हूँ, स्टेप थ्री अलग कर रहा हूँ, जरूरी नहीं हेडिंग में एक ही चला रहा हूँ, हेडिंग चला भी सकता हूँ लेकिन मैं ना भी चलाऊ, कोई मसला नहीं मुझे। अच्छा, कॉस्ट पर हमने कितना यूनिट निकाला मटेरियल के लिहाज से, कॉस्ट पर यूनिट कितनी हमारे पास 5 है, तो यहाँ 5 आ जाएगा, और कन्वर्जन कॉस्ट कितनी है 4 है, ये 4 आ जाएगा यहां भी बेटा, ये कॉस्ट पर इक्विवेलेंट मटेरियल की 5 है और कन्वर्जन कॉस्ट 4 है, इस तरह बेटा आगे भी मेरे पास, आगे भी 1:1 ऐसे मटेरियल के ऊपर, ये क्या है मेरे पास, ये मटेरियल के लिहाज से ये 5 है, कन्वर्जन कॉस्ट 4 है, ये 5 है और ये 4 है, ठीक हो गया। ये तो 0-0 आ गए यार, क्योंकि थे ही नहीं।
अब इसको ले लें यहां पे, मल्टीप्लाई कर ले बड़े यहां पे, जरा मल्टीप्लाई करें। अच्छा एक और ट्रिक मैं यहीं पे बता दूं आपको, फिनिश गुड्स के लिए जरूरी नहीं होता, फिनिश गुड्स में ऐसा कर सकता था मैं दोनों को कंबाइन करके लिख देता यहां, क्योंकि मुझे पता फिनिश गुड्स मटेरियल के लिहाज से हमेशा वही होगी, लेबर के लिहाज से भी वही होगी 100% ही होगी, और ओवरहेड के लिहाज भी वही होगी और लेबर कॉस्ट हर एक के लिहाज से सेम ही होती है। तो जैसे कॉस्ट पर इक्वल यूनिट ऑफ मटेरियल एंड लेबर एंड ओवरहेड एंड कन्वर्जन कॉस्ट सबको एड करके कंबाइन भी चला सकते हैं। तो खैर फिलहाल यहां पे 10,000 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो यहां पे क्या है मेरे पास 50,000 आ गया, और यहां पे मेरे पास क्या है 40,000 आ गया। तो इसको ऐड किया तो मेरे पास क्या वैल्यू आ रही बेटा, जरा मल्टीप्लाई करके चेक करके बताएं मुझे जरा क्या वैल्यू आ रही है आपके पास, जल्दी हरी अब क्या वैल्यू आई मेरे पास, ठीक हो गया। इसके मतलब फिनिश गुड्स की वैल्यू कितनी है 90,000 है, ठीक हो गया। अच्छा कुछ बच्चे समझने के ऊपर हेडिंग चला रहा हूं कॉमा, मैं आपके आपके ऊपर डिपेंड करता, ठीक है। स्टेप वन मैंने वैसे किया, स्टेप टू मैंने वैसे किया, स्टेप थ्री मैंने जरा इस तरह कर दिया आपको, मैं हेडिंग के को भी फॉलो कर सकता था कि मैंने एक मटेरियल की हेडिंग बनाई हुई, एक कन्वर्जन कॉस्ट की हेडिंग बनाई, उसको भी फॉलो कर सकता था, और ऐसे भी हम कर सकते हैं कोई मसला नहीं है। ऐसे वर्किंग प्रोग्रेस मैंने क्या किया सिंपल, स्टेप थ्री में मैं समझे मैंने कर क्या रहा हूं, कुछ भी नहीं कर रहा। स्टेप थ्री में मैं क्या कर रहा हूं, स्टेप वन वाले सारे यूनिट्स उठा के लिखे, स्टेप टू वाली सारी कॉस्ट लिखी, यहां पे यूनिट्स को कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, आंसर निकल के आ रहे हैं। तो मल्टीप्लाई किया यहां पे, ये क्या है 20,000, इसको मल्टीप्लाई किया ये क्या है मेरे पास 8,000, तो एड किया कितना है 28,000 आ गया। और ये आपको पता ही है फिर आगे क्या धीरे धीरे चल रहे हैं, जब वैल्यू क्यों नहीं तो धीरे धीरे चल रहे होंगे। तो 90,000 वैल्यू किसकी आ गई, फिनिश गुड्स की वैल्यू आ गई कितनी 90,000 आ गई, और वर्किंग प्रोग्रेस की वैल्यू आ गई मेरे पास 28,000 आ गया ये। तो कॉस्ट पर इक्वल यूनिट यानी हमने किया क्या है, हमने कॉस्ट पर यूनिट एक नहीं निकाली, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ मटेरियल ऑफ लेबर ऑफ ओवरहेड्स ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट सबके अलग अलग इक्वल यूनिट्स लिख लिए, सबकी अलग अलग टोटल कॉस्ट लिखी है, और मटेरियल में से स्क्रैप वैल्यू माइनस कराई है, उसमें से फिर इनकी इक्वल यूनिट से डिवाइड कराया है, कॉस्ट पर इक्वल यूनिट ऑफ मटेरियल निकाला, कॉस्ट पर इक्वल यूनिट ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट निकाला, इसी तरह कॉस्ट पर इक्वल यूनिट ऑफ लेबर, कॉस्ट पर इक्वल यूनिट ऑफ ओवरहेड, ऐसे निकलता जाएगा। फिर आप क्या करें स्टेप थ्री में, आप लिख दें यानी कि जो जो आपके पास आउटपुट आउटपुट के नाम लिखें, जो जो कैटेगरीज है कार्ड कैटेगरीज के नाम लिखें, इक्वल यूनिट स्टेप वन से उठा के लिखें, स्टेप टू से उनके रेट लिखें, मल्टीप्लाई करें, वैल्यू निकल दी आएगी हमारे पास। हाँ जी यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है, चलू मैं आगे बेटा, इज इट डन, स्टेप थ्री में कोई मसला बेटा? ठीक हो गया। इसी तरह अगर ये नॉर्मल लॉस भी होता है उसकी वैल्यू यहां निकलानी थी, क्योंकि अब नॉर्मल लॉस है उसकी वैल्यू निकलानी थी, वो भी उसी तरह से चलते जाएंगे साथ साथ। स्टेप फोर पर मैं जा रहा हूं, प्रोसेस अकाउंट बनाने लगा हूं यहां पे, स्टेप फोर जी पे प्रोसेस अकाउंट कहने हैं, तो प्रोसेस अकाउंट अब यहां बनने जा रहा है। इट्स वेरी सिंपल प्रोसेस अकाउंट, बहुत सिंपल है हमारे पास। हाँ जी क्या इनपुट किया हमने, मैं यूं लिख देता हूं ऐसे ताकि यूनिट्स भी बैलेंस करा दूं आपको, हम यूनिट्स लिखें, वैल्यू लिखें बेटा आप, फिर यूनिट्स लिखें और फिर वैल्यू लिखें। देखें सवाल में आप कितना हमने इनपुट किया था, इसमें हमने मटेरियल इनपुट किया था और कन्वर्जन कॉस्ट लगाई थी, सवाल पे चले जाते जरा एक मिनट के लिए। ये था मैंने इनपुट किया था 14,000 और आउटपुट फिनिश आई मेरे पास क्या आई थी 10,000 और वर्किंग प्रोग्रेस 4,000 आया था, वैल्यू मटेरियल की 17,000 थी और कन्वर्जन कॉस्ट 48,000 की मेरे पास वैल्यू थी। ठीक हो गया, तो आप वापस आता हूं, मैंने मटेरियल यूनिट्स इसके 14,000, वैल्यू इसकी 17,000 आई थिंक ऐसा ही है, फिनिश गुड्स और वर्क इन प्रोग्रेस ये 10,000 ये 4,000, फिनिश गुड्स का मतलब ये प्रोसेस टू में जाएगा, और वैल्यू कन्वर्जन कॉस्ट कितनी डाली हमने सवाल पे 48,000, ठीक हो गया 48,000, ये 48,000 आ गया, इसको ऐड कर ले बेशक आप 1,18,000 लाइक फिगर आ जाएगा मेरे पास, और ये कितना आ रहा 14,000 आ रहा मेरे पास, डन हो गया, इसको कर लेना। फिनिश गुड्स की वैल्यू आपने अभी निकाली हुई, आपने अभी खुद निकाली, कितनी निकाली आपने वैल्यू, एक 90,000 निकाली, एक 28,000 निकाला आपने,
90,000 और 28,000 इनको ऐड करा दें, यूनिट्स कितने बनते हैं हमारे पास, 14,000 यूनिट्स बनते हैं, वैल्यू कितनी बनती है, 1,18,000 इसकी वैल्यू बनती है। आई थिंक सबको समझ आ जानी चाहिए यार, अब इट शुड बी डन। अभी अब इसमें कोई मसला रहेगा, अच्छा यहीं पे एक और, मेरे पास एबनॉर्मल लॉस होता कहां आता, यहीं बेटा मैं लिखता एबनॉर्मल लॉस, ऊपर मैंने वैल्यू फिलहाल जीरो में चलाया, जीरो की जगह वैल्यू चला देंगे तो वो यूनिट्स भी आ जाएंगे उसकी वैल्यू भी आ जाएगी, नॉर्मल लॉस वो भी मैंने ऊपर चलाया हुआ वो भी यहां पे आ जाएगा, एबनॉर्मल गेन हुआ तो वो इधर आ जाएगा, यार बाकी सब वैसे के वैसे ही है। एबनॉर्मल गेन के अपने अकाउंट में चले जाएंगे, वहां नॉर्मल लॉस को नेट ऑफ करा के उसको प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, वो वैसे की वैसी चीजें, कोई नई बात उसमें नहीं। इसके अंदर मैंने एडजस्ट करा दिया मैक्सिमम साइज, हाँ जी यहां तक कोई मतलब ना, आराम से तसल्ली हमने कर ली। कोई चीज अब पूछे, अब मुझसे पूछे क्या पूछना चाहते बच्चे, सात सौ सवाल पूछ रहे थे, हाँ जी बेटा। यानी स्टेप वन हमेशा क्या करना आपने, स्टेप वन हमेशा क्या करना आपने बेटा, जरा देखें इसको, स्टेप वन हमेशा हमने क्या करना है, ये हमने हमेशा पहले लिखना इनपुट कितना किया आपने, इनपुट लिखे हमेशा आप जितने भी यूनिट्स आपने इनपुट किए, आउटपुट कितना आया, तो आउटपुट में आपके पास क्या क्या आ सकता है, एक कंप्लीट वाला फिनिश वाला जो प्रोसेस टू में जाएगा, एक वर्क इन प्रोग्रेस वाला लिखे इसमें कितना वर्क इन प्रोग्रेस हमारे पास, नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस के यूनिट्स लिखे जितने भी यूनिट्स होंगे, हमने परसेंटेज दी होगी मल्टीप्लाई करके, एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन उसके भी यूनिट्स आप निकाल लेते हैं, ये यूनिट्स आप निकाल के लिख लेंगे, चारों चीजें आपने लिखी, इसके अलावा पांचवी कोई चीज दुनिया में है नहीं। ऊपर कॉस्ट की कैटेगरी कौन कौन सी, मटेरियल है, लेबर है, कन्वर्जन कॉस्ट, ओवरहेड, सबके हेडिंग दे दें आप। अब आप इक्विवेलेंट यूनिट्स बनाना शुरू कर दें, फिनिश गुड्स हमेशा 100%, एबनॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल गेन हमेशा 100%, नॉर्मल लॉस हमेशा 0%, वर्क इन प्रोग्रेस एज पर क्वेश्चन जो सवाल में दिया, हमेशा जो सवाल में परसेंटेज दी होगी हमेशा वही सवाल में परसेंटेज अप्लाई कराएंगे। तो हमारे पास इक्विवेलेंट यूनिट्स अकॉर्डिंग टू मटेरियल भी बन जाएगा, अकॉर्डिंग टू लेबर भी बन जाएगा, अकॉर्डिंग टू ओवरहेड भी बन जाएगा, सबके अकॉर्डिंग हमारे पास यूनिट्स आ जाएंगे। ठीक हो गया, जब यूनिट्स आ जाएंगे नीचे इनकी कॉस्ट लिखें और फिर क्या करें, कॉस्ट से इसको डिवाइड कर। देखिए मैंने यहां बताया कि यहां थोड़ा सा पॉइंट का फर्क होता है कि टोटल कॉस्ट मटेरियल की जो कॉस्ट होती है इसमें से स्क्रैप वैल्यू तो नॉर्मल लॉस माइनस करा दें अगर कोई है तो, यहां नहीं थी तो मटेरियल में से आपने स्क्रैप वैल्यू तो नॉर्मल लॉस माइनस करा देना है, तो बाकी आप इसके इक्विवेलेंट जो जो दिए होंगे आपने उससे उसने आपने इसको डिवाइड कर देना, हमेशा उसी आपने इसको डिवाइड कर देना, इक्विवेलेंट जो जो दिए होंगे उसने आप ला के इसको डिवाइड कर देना, इसी तरह अगली हेडिंग भी होती है उनकी कॉस्ट भी होती है उनके यूनिट्स भी होते डिवाइड कर देंगे, तो कॉस्ट हर एक कैटेगरी की कॉस्ट का रेट बन जाएगा, अकॉर्डिंग टू मटीरियल ये रेट आ रहा है, अकॉर्डिंग टू कन्वर्जन कॉस्ट ये रेट आ रहा है, हर एक अकॉर्डिंगली एक एक रेट आ जाएगा हमारे पास, वो रेट फिर हम आगे चला देंगे। फिर आगे जाके क्या लिखें, सिंपल स्टेप थ्री में कोई काम आपने नहीं करना, स्टेप वन स्टेप टू की चीज उठा के लानी बस आप, स्टेप वन पे वापस जाएंगे, स्टेप वन पे हम वापस गए, हमने स्टेप वन पे जाके देखा कि यार हमारे पास क्या क्या आउटपुट आया जना, हम वापस गए स्टेप वन पे तो हमने जाके देखा क्या क्या आउटपुट आया, जो जो भी आया हुआ, एक फिनिश शूट है, एक वर्क इन प्रोग्रेस है, एक नॉर्मल लॉस, एक एबनॉर्मल, चार नाम है, चारों के चारों नाम उठा के लिए, चार नाम इनकी कैटेगरी क्या है, मटीरियल है, कन्वर्जन कॉस्ट है, लेबर, जो जो भी कैटेगरी वो भी लिए, उठा के इसको यहां ले चारों नाम को, जो जो नाम आपने दिलाए लिखें, पहले फिनिश गुड्स है, फिर वर्क इन प्रोग्रेस, फिर अब नॉर्मल लॉस, फिर नॉर्मल लॉस, चारों नाम लिखते हैं, कैटेगरी क्या क्या है, अकॉर्डिंग टू मटेरियल है, अकॉर्डिंग टू लेबर, अकॉर्डिंग टू ओवरहेड, चार तीनों चार कैटेगरी इनके सामने लिख दें, ताकि आपको मसला ही ना हो, तो सारी कैटेगरी आप यहां लिख दें, ये कैटेगरी क्या क्या है इनके सामने। अब क्या करें, सिंपल स्टेप वन पे जाए वापिस, फिनिश गुड्स के हिसाब से मटेरियल के अंदर जो भी वैल्यू आई है वैल्यू उठा के लाया, कुछ भी नहीं किया, पीछे से सारे इक्विवेलेंस लिख दें यहां पे, रेट आपने अभी बनाए होंगे रेट स्टेप टू में, वो रेट लिख दें यहां पे, मल्टीप्लाई करें गाड़ी निकलाएंगे हमारे पास, इसको हमने पुट कर देना उसके अंदर प्रोसेस अकाउंट के अंदर, ये आपके सामने प्रोसेस अकाउंट चल जाएगा। अब एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन मैंने साथ से चला के दिखाया आपको, हाँ जी और सुनाए क्या हाल चाल आपका, आप बताएं समझ आ गई बात, दो चार मिनट ले लें आप थोड़ा सोच लें,
फिर आपने प्रोसेस टू अभी मुझे करके दिखाना है, मैंने सारी वैल्यू पूछूंगी आपसे। फिजान कह रहे जी आपकी आवाज रुक रही है। भैया मेरी आवाज तो नहीं रुक रही यार, जब मैं बोलता हूं तो आती है, जब मैं रुक जाता हूं तो रुक जाती है यार। क्यों भी फिजान, फिजान चाह रहा है सर रुके बिल्कुल नहीं, बस चलते रहे बोलते रहे, बस करवाते ही जाए। नेट का इशू हो गया यार, ये नेट का इशू तो पूरे पाकिस्तान में है, मल्टी नेशनल कंपनीज में हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स के अंदर ये इसका तो सोल्यूशन ही अभी चीज नहीं निकला यार, ये किसी भी टाइम पे हो जाता। पहले तीन चैप्टर बच्चा पूछा टेस्ट क्या होगा यार, मैं फिर भूल गया, मैंने कॉल भी की थी, उन्होंने कहा था आपसे डिस्कस करेंगे, लेकिन वो आज कराऊंगा उनके साथ में डिस्कशन। नहीं आप, आपको मैंने समझाया, आपने आराम से तसल्ली के साथ सारे स्टेप फॉलो करते हुए मुझे स्टेप टू अप्लाई करके दिखाना जरा, ठीक है? क्वेश्चन बैंक आपके पास होगा कहते हैं, मैं आपके सामने दिखा भी देता हूं उसको आराम से जरा तसल्ली के साथ सारी चीजें आपने अप्लाई करते जाना, ठीक है? हसन हाउ डू यू मैनेज, आपकी जॉब कैसे चल रही है? यार मैनेज हो जाता है, आप भी मैनेज कर लेंगे जब when you will be at this position, तो आप भी कर लेंगे जब आप चार्टर्ड अकाउंट बन जाएंगे ना, जब मतलब चार्टर्ड अकाउंट बन जाता है ना, वो ये समझता है मैं दुनिया में बहुत काम कर सकता हूँ, मैं बहुत चीज हूँ, तो वो जितनी कुछ मर्जी वो एक्टिविटी, जितना कुछ मर्जी उसका असाइनमेंट आ जाए, वो हर चीज हैंडल करने को तैयार हो जाता है। ये सबसे बड़ा एक कॉन्फिडेंस है, यानी जो क्वालिफिकेशन आपकी जो होती है हमें सबसे बड़ा एक ये कॉन्फिडेंस देती है कि हम अगर ये कर लिया है तो इट मींस आई कैन डू एनीथिंग, तो बंदे का वो एक लेवल बहुत हाई होता है। और अगर कोई उसे आके कंपनी में कहे कि ये टास्क ये फ्लान चीज ऐसे नहीं हो सकती, तो वो वहीं पर चैलेंजिंग ले जाता है कि नहीं जी फिर ये तो अब होके रहेगी, फिर तो दुनिया में वो यही समझता है कि वो चीज को दुनिया में बनी नहीं जो मैं कर ही नहीं सकता, लाइक दिस। ठीक हो गया, तो इट्स इंटरेस्टिंग एक्चुअली, मैं पिछले 10 से 12 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए, तो साथ साथ पढ़ाता हूँ और साथ साथ में जॉब भी करता हूँ, मेरा काम भी बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं बिजनेस वैल्यूएशन करता हूँ, मतलब कि मैं आजकल एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, डेवो मेरा क्लाइंट है और मैं डेवो के साथ काम कर रहा हूँ, डेवो को एक नई एयरवे लेके देने लगे, एक एयरलाइन नई लेके देने लगे, हम उसकी पूरी वैल्यूएशन और उसमें कैसे हम ऑफिस की टाइमिंग, मेरी वैसे ऑफिशियल टाइमिंग नहीं है, मुझे प्रोजेक्ट हैंडल करना पूरा, वो रात को बैठूं दिन को बैठूं जैसे मर्जी बैठूं, जैसे डेवो वालों को हमने एक एयरलाइन की पूरी वैल्यूएशन बना के देनी है और उससे डिस्कस करना है कि एयरलाइन लेनी कि नहीं लेनी, एक दो उनको भोजा एयरलाइन को ऑफर हुई लाइक दिस, तो मैं मेरा काम है उनको लेके चलना और उनको वो चीजें देनी, तो हम पैट जॉब नहीं, 9 to 5 वाली जॉब ही नहीं मैं करता। टेस्ट के लिए 3 चैप्टर्स हैं या मॉक के लिए 3 कर लें यार, आयशा बेटा इसमें क्या है, आप 3 कर लेंगे, शुरू बोले तो 3-3 चैप्टर नहीं, आसान सा नहीं है यार। हाँ जी गुड, मालिक अबू कह रहे हैं मटीरियल जो ऐड करें ऐड द एंड करें, चलें ट्राई करें, मैं डिस्कस कर लेता हूँ, पहले आप थोड़ा सा सोचिए इसको फिर मैं बताऊंगा।
ये क्या कहा है, उन्होंने कुछ कहा है इसमें मटेरियल क्या ऐड कर रहे हैं? यार ऐसा तो नहीं कहा उन्होंने, कहते थे मटेरियल फ्रॉम प्रोसेस वन आर इंट्रोड्यूस एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस इन प्रोसेस टू बट द एडेड मटेरियल आर इंट्रोड्यूस एट द एंड ऑफ द प्रोसेस. ठीक हो गया. Conversion costs are incurred at a constant rate throughout the process and the closing work in progress in process 2 at the end of January is estimated to be 50%. Yani ye 50% diya hua hai khali work in progress ke liye aate hai. Iska matlab material ki cost 100% lag chuki hai, theek hai. Iska matlab hai material ki cost 100% lagi hui hai. Ramadan mein yaar filhal to same timing ki plan hai, aisa to kuch nahi. Joined the class yesterday, would you please briefly summarize which topics have been taught. ठीक है फिजान बेटा, मैं आपको कल हम थोड़ी डिस्कशन कर लेंगे इसके, ठीक है. मैं टॉपिक टेस्ट मार्क्स पर सब थोड़ा प्लान करके आपको बता दूंगा कि क्या चीजें हैं इसमें, ठीक है. अच्छा बेटा, मैं थोड़ा प्लान करके आपको बता दूंगा कि क्या क्या ऐसे होगा. आपको रमजान में ये टाइमिंग सूट करती ना, इसमें कोई मसला तो नहीं ना आपको टाइमिंग में? तो बस ठीक है, हम इसी को चला लेंगे. हाँ जी, जल्दी जल्दी मुझे सॉल्व करके दिखाएं. ये ऐसे ही होना जैसे पहले वाला किया. मटेरियल बेटा 100% ही आएगा. हाँ बेटा, एक बच्चे ने कहा था एक्सप्लेन कर दें, तो मैं बता दूं मटेरियल कॉस्ट 100% आएगी, यानी मटेरियल की इक्वेशन समझने पर 100% आएंगे. जो हमारे पास कन्वर्जन है उसके लिहाज से 50% आएंगे. बनाए जरा, मैं अभी बना के दिखाता हूँ. चले आप थोड़ा बनाएं, फिर मैं बना के दिखाता हूँ. हसन, हाँ बेटा यही जॉब समझ लेंगे, क्योंकि मैं सीएफए क्वालिफाइड भी हूं, तो मैं चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, मैं पोर्टफोलियोज मैनेज करता हूँ डिफरेंट, उनमें से एक पोर्टफोलियो मेरे पास ये डेवलप का बनवा. ये चीजें क्या होती हैं, ये अभी आपको पढ़ाएंगे आगे जाके, बीएफडी में पढ़ाएंगे, बोरिंग फाइनेंस स्ट्रेटजी. यहाँ भी ये एक ये पेपर हमारा कॉस्टिंग का है, इसमें थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट पेपर आगे आएगा, मैं बताऊंगा कि प्रोजेक्ट को कैसे डिसाइड करते हैं, प्रोजेक्ट लेना नहीं लेना, एनपीवी आईआर वगैरह कुछ चीजें निकालते हैं. फिर बीएफडी में जाके डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको ये चीजें कैसे पिक कराई जाती है. हाँ बेटा, प्रोसेस टू का स्टेप वन मैं अभी करके देता हूँ, पहले दो चार मिनट आप ट्राई करें. ट्राई फर्स्ट, यू शुड पुट एफर्ट, ठीक है, थोड़ा खुद ट्राई करें. मैं भी करता हूँ स्टेप टू, स्टेप वन अभी कर देता हूँ आपको. प्रोसेस टू का स्टेप वन सुबह बेटा अभी कर देता हूँ, पहले आप खुद ट्राई करें. पहले आप अभी आपको वहां से क्वेश्चन देने, मैंने आपको क्वेश्चन बैंक से रोज हैंडबुक से भी, बाकी सब लोग पहले ट्राई कर लें जरा, फिर मैं भी बना देता हूँ आपके सामने. लें जी थोड़ा पढ़ लें जरा, मैं स्टेप वन अप्लाई करने लगाऊंगा क्या कह रहा है इसमें. कहते यूनिट्स ट्रांसफर्ड इनटू द प्रोसेस फ्रॉम प्रोसेस वन 10,000 यूनिट्स है, ठीक है बेटा. यानी प्रोसेस वन से कितने यूनिट्स आए हमारे पास? 10,000 आए हैं. एंड उसके बाद क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस कितना हमारे पास? वो 1,000 है बेटा. यानी बता दिया गया आपको कि यूनिट्स जो कंप्लीट हुए, यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड टू फिनिश गुड्स इज 9,000. ठीक हो गया बेटा, ये स्टेप वन मेरे पास आ गया.
यानी उसे बता दिया कि 9000 कंप्लीटेंट्स हैं और मेरे पास 1000 वर्क इन प्रोग्रेस में चला गया। तो वेरी सिंपल यार, चले मैं इस वाली शीट पे करता हूँ, इधर देखें, इट्स वेरी सिंपल। जैसे हमने किया था स्टेप वन, या मैं लिख रहा हूँ स्टेप वन बेटा, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स बेटा, स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट यूनिट्स, अभी हम निकाल लेते हैं इक्विवेलेंट यूनिट्स बेटा, ठीक है। अच्छा जी, क्या करते हैं यहां पे, एक मिनट ले जी। स्टेप वन, इनपुट किया हमने जनाब, उसको खुद ही बताया कि हमारे पास इनपुट कहां से है, प्रोसेस वन से है, वो कितना है 1000 है। अच्छा जी, आउटपुट कितना, आउटपुट में हमने क्या था, हमेशा नाम लिख लेने आपने कि फिनिश गुड्स कितनी आ रही है आपके पास, वर्क इन प्रोग्रेस कितना आ रहा है, नॉर्मल लॉस कितना आ रहा है, और अब नॉर्मल लॉस या नॉर्मल गेन कितना आ रहा है, यही नाम मैक्सिमम होते हैं। फिनिश गुड्स कितनी आ रही है, सवाल में देखा हमने जनाब, क्या कहा उसने सवाल में बेटा, उसे खुद ही बताया कि फिनिश गुड्स है वो 9000 है और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस 1000 है, ठीक हो गया। ये सर इनपुट 10000 यूनिट्स है, तो फिनिश गुड्स मेरे पास 9000 फिनिश हो रही है, वर्क इन प्रोग्रेस में 1000 जा रहा है, ये जीरो है और ये जीरो है। अब बैलेंस करके भी देख रहे हैं तो टैली होना चाहिए, 10000 और 10000 टैली हो रही है यहाँ पे हमारे पास, ये 10000 ही आ रहा है मेरे पास, ठीक हो गया। अब यहाँ पे कैटेगरीज लिखते हैं बेटा, अकॉर्डिंग टू मटीरियल लिख दें, अकॉर्डिंग टू कन्वर्जन कॉस्ट लिख दें, ठीक हो गया। मैंने भी बताया फिनिश गुड्स हमेशा क्या होती है, 100 100 ही होती है, आराम से आके बंद करके आपने 100 लिख दें। वर्क इन प्रोग्रेस देखते हैं अभी, ये 0% की हमेशा होती है, ठीक हो गया। अब नॉर्मल लॉस या नॉर्मल गेन हमेशा 100 100% ही होती है। अब इसके लिए सवाल पढ़ लेते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस में उसने बताया हुआ सवाल के अंदर बेटा, उसने बताया हुआ यहाँ पे आपके पास यहाँ पे कि यहाँ पे द वर्क क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस जो है मेरे पास, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस इन प्रोसेस टू एट द एंड, ये 50% है और मटेरियल कॉस्ट इंट्रोड्यूस हो चुकी हुई है, इसका मतलब है। तो उसने यहां बता दिया हमें कि मटेरियल जो है वो हमारे पास मटेरियल के हिसाब से, मटेरियल के हिसाब से बेटा वो हमें बता दिए ये बात, यस मटेरियल के लिहाज से ये 100% है बेटा और वर्क इन प्रोग्रेस के लिहाज से ये 50% लें जरा आप इसका, 9000 का 100% लेके आता है, ये 9000 ही आ जाएगा, ये 1000 ही आ जाएगा, ये जीरो आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। स्टेप वन में कोई कॉस्ट कभी नहीं आती, स्टेप वन में कॉस्ट नहीं आती, ठीक है बेटा। स्टेप वन में सिर्फ यूनिट्स 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 लेते हैं, यूनिट्स सारी यूनिट्स लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। स्टेप टू में हम कॉस्ट लेके यूनिट से डिवाइड करते हैं। अच्छा जी, अब लें जरा 9000 का लिया 100% तो क्या आएगा, 9000 ही आया, 1000 का 500 50% लिया 500 आया, ये जीरो ये जीरो, नहीं इसका इफेक्ट क्या आया बेटा, देखिए उसने कहा है, उसने अच्छा वो कह रहे हैं कि मटेरियल कॉस्ट जो एंड पे लगी उसका इफेक्ट क्या आया, या मटेरियल कॉस्ट लगी उसकी यूनिट्स नहीं दिया हुआ बेटा हमें, ठीक है। और वो मटेरियल कॉस्ट पूरी लेंगे हम यहां पे, उसमें तो कोई इशू नहीं है, मटेरियल कॉस्ट शुरू में लगी या एंड पे लगी उसने बता दिया कि लग गई है, वर्क इन प्रोग्रेस का उसने कहा कि उसके हिसाब से वो काम 50% हुआ है। मटेरियल कॉस्ट तो पूरी लग गई है यार, ये मटेरियल कॉस्ट पूरी लग गई है तो मटेरियल कॉस्ट के हिसाब से पूरा हो गया ये, ठीक होगी बात, यानी मटेरियल कॉस्ट के हिसाब से हमारे ये पूरे हो चुके हैं, ये हमारे पास इक्वल यूनिट्स आ जाएगा यहां पे। यहां तक कोई मसला भी, अब देखें ये इक्वल यूनिट, पहले ये बात बताया मुझे कि इक्वल यूनिट समझ आया, मैं फिर स्टेप टू थोड़ा कर देता हूं आपको। स्टेप वन ये बात समझ आ गई कि मटेरियल के हिसाब से 10000 यूनिट्स और कन्वर्जन कॉस्ट के हिसाब से 9500 यूनिट्स, क्या ये बात समझ आ गई सबको, फिर मैं आगे चलता हूं, पहले ये बात क्लियर हो जाए, इज इट डन, क्योंकि ये बात क्लियर है बेटा सबको, ठीक है। अब हाँ सुभान बेटा आपको क्लियर है ये बात, सुभान की बात समझ नहीं आ रही अभी, सर वो कहते रहे हैं कि मटेरियल इज एडिड सो इसका मतलब ये लग गया, हाँ हम जब इसी का मतलब ये लग गया। दूसरी बात है चले सपोज हम कहते हैं कि नहीं लगा मटेरियल, तो वो कुछ परसेंट ही देगा यार, कितने परसेंट नहीं लगा, या वो बताएगा कि लगा ही नहीं, जब उसे पता लग गया है या तो वो 100% लगा है या फिर वो परसेंट ही देगा, सवाल में कोई परसेंट ही तो दी नहीं,
वो उसने बताया क्लोजिंग, उसने बताया वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस के हिसाब से वो 50% है, या तो वो कहता है टोटल कॉस्ट के हिसाब से दोनों में 50-50 ले जाता। ठीक हो गया, तो ठीक होगी बात यहाँ पे। तो अब हम ले लेते हैं यहाँ पे, आगे चलते हैं जरा थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पे वैल्यू ले लेते हैं। हाँ जी, मटेरियल कॉस्ट कितनी दी हुई पर सवाल पे जाएगा। अब सवाल पे बड़े कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट ऑफ यूनिट ट्रांसफर फॉर्म प्रोसेस वन की दे दी आपको 90,000, वहां आंसर भी 90,000 निकला होगा। और कन्वर्जन कॉस्ट कितनी है, 37,000 हमारे पास, 57,000 वो भी आ गई हमारे पास। एडिंग मटेरियल फ्रॉम द प्रोसेस टू, उसकी वैल्यू कितनी हमारे पास, वो 36,000 है हमारे पास। तो इसके अकॉर्डिंगली हम यहां पे इसको ट्रीट कर देंगे। अच्छा, इसमें ये है, मैं जरा क्लियर कर दूं इसमें और मैं क्लियर कर दूं। अब यहां कॉस्ट पे मैं बात करता हूं, ये पॉइंट यहां पे अब लग रहा है कि यहां एडेड मटेरियल फ्रॉम प्रोसेस टू, ये दिस इज, अब यहां पे ये कह रहा है कि अब एडेड मटेरियल फ्रॉम द प्रोसेस टू, यहां पे क्या बात की जा रही, ये कॉस्ट की मैं कह सकता हूं, यूनिट्स नहीं, यूनिट्स तो वही चले हमारे पे, इसकी यूनिट्स नहीं दिए हुए। अब मैं यहां पर थोड़ा लिंक कराता हूं आपको, ये जो यूनिट्स दिए होते ना यहां पे, तो यूनिट्स दिए होते, सपोज वो कहते 2000 यूनिट्स है, तो फिर मैं क्या करता, मैं उसकी भी सोचता कि क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है, अब इसके बारे में मैं बात कर लेता हूं कि क्या क्या जा रहा है। अब मैं दोबारा पढ़ता हूं स्टेटमेंट, कहता है यानी हमारे पास बट एडेड मटेरियल्स आर इंट्रोड्यूस एट द एंड ऑफ द प्रोसेस। ठीक हो गया, ये प्रोसेस के एंड भी लगी जा रही है, इसका मतलब वर्क इन प्रोग्रेस नहीं है लगा, इसका मतलब है कि हमारे पास, इसका मतलब क्या, इसकी यूनिट्स तो है क्यों नहीं, वो यूनिट्स भी नहीं आए ना इसकी कॉस्ट आएगी, इसका मतलब वर्क इन प्रोग्रेस तो कंप्लीट ही नहीं हुआ। जब वर्क इन प्रोग्रेस कंप्लीट ही नहीं हुआ तो ये कॉस्ट हम फिर इसकी ये वाली कॉस्ट नहीं लेंगे, हम यहां पर ये कॉस्ट लेंगे नहीं, क्योंकि ये प्रोसेस टू में हमारे पास ये अभी कंप्लीट ही नहीं हुआ हमारे पास, तो फिर इसकी कॉस्ट हम नहीं ले रहे होंगे, ये एट द एंड भी चल रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे यहां पे, इसकी वो पहले वाली जो कॉस्ट कितनी यहां पे 90,000 की कॉस्ट ले लेंगे यहां पे, उसको इसी तरह ये 10,000 से डिवाइड करा देंगे। और वर्क इन प्रोग्रेस की कॉस्ट कितनी थी 57,000, वो 57,000 की कॉस्ट ले लेंगे यहां पे 57,000, और ये 9500 ये इसमें। स्टेप वन में मैं जो बात आपसे कर रहा था वो यूनिट्स के हिसाब से कर रहा था, अब स्टेप टू में जो मैं आपसे बात कर रहा हूं ये कॉस्ट के हिसाब से कर रहा हूं, अब वैल्यू के हिसाब से कर रहा हूं। वैल्यू के अंदर ये 90,000 में वो मटेरियल ऐड नहीं होगा, क्योंकि उसने कहा कि मटेरियल एट द एंड ऑफ द प्रोसेस लगाया जा रहा था, तो प्रोसेस अभी कंप्लीट ही नहीं हुआ, इसलिए वो उसकी मटेरियल कॉस्ट यहां पे मैं ऐड नहीं करूंगा। ठीक हो गया, अब वो स्टेटमेंट उसने बहुत क्लियर नहीं की, कुछ कहा ही नहीं, इसलिए मैं उसको नहीं ऐड कर रहा, अगर वो कुछ क्लियर करता तो मैं उसका उतना वेट भी ले लेता, लेकिन वो यूनिट्स भी फिर देता, मैं यूनिट्स भी उतने ले लेता, यूनिट्स दिए नहीं तो मैंने यूनिट्स तो लिए नहीं स्टेप वन में, तो स्टेप टू में उसने बताया कि कॉस्ट एट द एंड लगाई, मैंने कॉस्ट नहीं ली, तो कॉस्ट पर यूनिट ऑफ मटेरियल, कॉस्ट पर यूनिट ऑफ हमारे पास कन्वेंशन कॉस्ट, ये इस तरह से आ जाएंगे, फिर आगे चल जाएंगे। अच्छा सर, बट प्रोसेस इज नॉट येट कंप्लीटेड, ठीक है, इस क्वेश्चन इट इज स्टेटेड दैट मटेरियल इज एडेड एट द एंड ऑफ द प्रोसेस। ठीक है बेटा मलिक अबू बकर, बेटा ये हम नहीं ले रहे कॉस्ट, नहीं ले रहे, स्टेप वन में जो आप जितनी बातें कर रहे थे मेरे साथ वो मैं यूनिट्स के हिसाब से बता रहा था, स्टेप वन में सिर्फ यूनिट सोचने, जब उसने एडेड मटेरियल के यूनिट दिए नहीं थे तो इस पर मैं बात ही नहीं कर रहा था। अब कॉस्ट की जब बात की स्टेप टू में आके, तो स्टेप टू में हमने कॉस्ट, क्योंकि उसने बताया प्रोसेस अभी कंप्लीट नहीं हो तो उसकी कॉस्ट नहीं लेंगे। ठीक है, अगर कहता कुछ परसेंट ही कंप्लीट हो गया तो मैं उस हिसाब से कुछ कॉस्ट ले लेता जैसा वो बताता, तो यहां भी रेट निकाल लें, स्टेप थ्री उसी तरह से सारे इक्वल यूनिट लिखे, रेट से मल्टीप्लाई करें, निकलाएगी वैल्यू आपके सामने। हाँ जी, अब बताएं मुझे इज इट डन, अब हो जाएगा ना सवाल, क्यों सुबान बेटा आपको बात समझ आ गई, हो जाएगा अब सवाल, अब तो हो जाना चाहिए। रमजान में क्लास ड्यूरेशन विल बी सेम, यस हसन कह रहा जी रमजान में, या रमजान में ऐसा करते हैं हम क्लास की ड्यूरेशन बढ़ा देते हैं, 2 घंटे कर लेते हैं, रोजा अच्छा गुजर जाएगा, पढ़ाई की पढ़ाई होगी, इबादत की इबादत होगी जनाब, ये भी तो एक बहुत बड़ी इबादत है ना, तो हम रोजे में बड़े आसानी के साथ जनाब इबादत कर रहे होंगे, 2-2 घंटे रोज बेहतरीन इबादत चलेगी हमारी, क्या ख्याल है, ऐसा कर लें, क्या कहते हैं आप लोग, या क्लास की ड्यूरेशन पे ना जाइएगा मैं आपसे, ठीक है
क्लास की ड्यूरेशन में बार बार ना बात कीजिएगा, फिर मैं कम कर दूंगा, एक घंटा बहुत ही कम हो जाता है आपको पता ही है यार। तो स्टार्ट करते हो 5-7 मिनट लग जाते हैं, फिर कुछ सवाल भी आते हैं। देखिए मैंने आपको आसानी के साथ आराम से सवाल सॉल्व कराया, मुझे मेरे पास टाइम होता है, तो मैं वो एक घंटे पे फिर फंसे ही रहता हूँ बाजन दौड़, 10 मिनट पहले 10 मिनट बाद, वो बीच में इफेक्टिव 40-45 मिनट, वो बड़ा मुश्किल हो जाता है इस हिसाब से। अच्छा एक बच्चा करे ना, ये सर ये इंटरेस्ट और वो मार्क वगैरह पढ़ रहे हैं तो इसका कौन सा सवाब है यार? ये सवाब तो है, हराम चीज को पढ़ना सवाब नहीं। चलो ये बता दूंगी क्यों, ये आप इस पर थोड़ी सी डिस्कशन 5 मिनट कर लेते हैं। हराम चीज को पढ़ना, हराम चीज हराम कर लें, चलें हराम है। एक इस्लामी किताब मैंने खोली हुई है, उसमें लिखा हुआ है कि ये हराम है, ये हराम है, ये हराम है, ये हलाल है, ये हराम है, ये हलाल है, ये हराम है, ये हराम है, ये हलाल है। वो किताब मैं पढ़ रहा हूं, उसको पढ़ना सवाब है कि गुनाह है? भाई क्या चीज हराम है, क्या चीज गलत है? बेशक आप उसको पढ़ेंगे तो समझ आएगा ना, अप्लाई करना एक और चीज है यार। अप्लाई तो नहीं ना हम कर रहे, यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड, ये बात याद रखिएगा बेटा। शराब पीना हराम है, लेकिन ये जानना कि शराब में क्या चीज है, इंसान को क्या नुकसान देती है, शराब क्यों नहीं पीनी चाहिए, इसका मसला क्या है, इसको समझना, इसको जानना, ये हलाल है और ये बहुत सवाब है। जब एक चीज को समझेंगे नहीं तो क्या समझेंगे आप, अप्लाई क्या कराएंगे आप कभी भी, और उसको क्या उसे लर्न करेंगे, कैसे उसे अवॉइड कराएंगे आप? तो किसी चीज का नॉलेज लेना, इल्म लेना, इल्म लेना है, वो गलत नहीं होता, ये बात याद रखिएगा बेटा। कुछ बच्चे समझते हैं हमें फाइनेंस पढ़ी जा रही है, तो फाइनेंस हमने अप्लाई ना कराई है, मैं कभी उस तरह से चलता, बट लाइफ आपकी वो अपनी पर्सनल लाइफ है, लाइक दैट इज योर ओन। लेकिन किसी चीज को समझना यार क्या चीज इसमें गलत है, क्या चीज इसमें हराम। अब लाइबिलिटीज को समझते हैं, इंटरेस्ट रेट समझते हैं, क्योंकि लोन नहीं पे रहा, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, लाइबिलिटी बढ़ती जा रही होती है, इस वजह से लाइबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, वो लोग पे नहीं कर पाते, इस वजह से इस्लाम में ये लाइक इंटरेस्ट रेट हराम रखा गया, ये मसले वाला। अब ध्यान नहीं उसमें, आप टेक्निकली इसको जस्टिफाई कर सकते हैं यार कि ये चीज क्यों हराम हुई, लेकिन अगर आपने वो चीज पढ़ी नहीं, कभी समझी नहीं, आपको पता ही नहीं, आप किसी डिस्कशन क्या करेंगे? क्या ख्याल है, व्हाट डू यू थिंक? हाँ जी, किधर गए जनाब थे बंदे जी, क्या कह रहे थे वो? कि नहीं सर, आप शायद मुझसे बेहतर जानते होंगे यार। ठीक है, और वैसे भी हम लोग इसलिए नहीं नॉलेज ले रहे बेटा, ये बाजार रखिएगा, हम नॉलेज इसलिए ले रहे हैं कि वी विल लर्न समथिंग, हम क्या चीज सही है क्या चीज गलत हम सीख रहे हैं, तो ये नंबर वन। नंबर टू, हम प्रैक्टिकली जाके इसको फिर अप्लाई करेंगे और बताएंगे कि व्हाट इज ट्रू, व्हाट इज हमारे लिए क्या एसेंशियल है, क्या बेसिक है, व्हाट वी शुड डू एंड व्हाट वी शुड नॉट डू, वो चीजें हम प्रैक्टिकल लाइफ में फिर अप्लाई करेंगे। और अगर जब हमें कोई सवाल करेगा देन वी विल जस्टिफाई। ठीक है, अभी तो आप बेसिक लाइफ से जा रहे हैं ना, अभी जब आप चार्टर्ड अकाउंट बन जाएंगे आप खुद ही आपको बहस करेगा, बता देंगे यार ये चीज कैसे आती है और ये चीज क्यों गलत कही गई है, आपका माइंड खुद ही चलेगा उसमें, आप टेक्निकली चीजों को जस्टिफाई करेंगे और खुद भी एक कन्विंस्ड, एक कॉन्फिडेंस वाली लाइफ गुजारेंगे कि मैं बहुत बेहतर हूं। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी चीज होती है। एक आम इंसान किसी बंदे को कुछ कह रहा है एक और बात होती है, चार्टर्ड अकाउंट किसी बंदे को किसी बात समझा रहा तो ही विल टेक समथिंग यार कि ये बंदा कुछ ठीक कह रहा होगा, पर पढ़ा लिखा बंदा है तो वो इसमें है। इस्लामी बैंकिंग ना, मैं इससे नहीं जाता यार हमजा बेटा, मैं इससे बड़ी रिसर्च करता हूँ क्योंकि हम तो इन्वेस्टमेंट करते हैं, काम ही ये करते हैं, तो बहुत लंबी स्टोरी हो जानी हमारी। ठीक है, बट मैं ये इस्लामी लेक्चर देने के लिए ये इसमें इस्लामिक बैंकिंग के ऊपर लेक्चर पे मैं दुबई भी जाता हूँ अक्सर, और बड़ी अच्छी खासी उसमें हमारे इस्लामिक बैंकिंग में डिस्कशन होती है। दुबई में 90% बैंक इस्लामिक ही है, तो बड़े डिटेल डिस्कशन होते हैं इस्लामिक बॉन्ड इशू कैसे कराते हैं, इस्लामिक बैंकिंग चलती कैसे, ट्रू इस्लामिक बैंकिंग उस तरह से नहीं चल पा रही होती, बट है ये। सर नवाज शरीफ ये की अच्छा ऐसा भी है कुछ,
नटशेल, ठीक है ना? ठीक है ठीक है ठीक है। और सुनाइए नाथ, मेरा ख्याल काफी उसमें हो गया। सवाल ना देखने में बता दूं आपको, सवाल और ट्राई कर लें। लाइक अगर मैं इसमें क्वेश्चन बैंक में जाता हूं वापस, जरा इसमें देखता हूं नेक्स्ट सवाल में क्या है, थोड़ा सा आपको बता दूं, आप ट्राई करें इसको खुद से। ये तो आप निकाल लेंगे यार, कॉस्ट पर इक्वल यूनिट पूछा हुआ है ऑफ द आउटपुट प्रोड्यूस सितंबर, वन यूनिट ऑफ द स्टार्टेड एंड कंप्लीटेड ड्यूरिंग द मंथ, तो ठीक है ये निकल आएगा। फाइफो है पढ़ा हुआ आपने, फाइफो आपको पता ही है फाइफो क्या होता है, तो थोड़ा सा आपने जस्ट वर्कआउट ऑन दैट, फिर जो बातें होंगी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है? फाइव फोर वेटेड एवरेज में करवाना आपको इसके अंदर कैसे लगाना है, तो इसको थोड़ा ट्राई कीजिएगा। तो 7.3 हो गया, और क्या इसमें 7.3 में आगे भी इक्वल यूनिट्स दिए हुए चीजें दी हुई, वेटेड एवरेज लगाया हुआ वो भी देख लीजिएगा, और क्या चीजें हैं। बाय प्रोडक्ट वगैरह चलिए ये भी हम करेंगे। अब मैं जाता हूं क्वेश्चन बैंक के ऊपर, इसमें देख लेते हैं क्या ख्याल है। और कहीं मेरा नहीं ख्याल की चीज अच्छी मिल जाएगी। चलिए आप ऐसा कीजिएगा, स्टडी टैक्स में आपके पास कुछ होगा? यस, स्टडी टैक्स में तो जरूर ही होगा ना यार, स्टडी टैक्स में आपके पास कुछ चीजें होंगी। ये क्लोजिंग वर्किंग प्रोग्रेस से बढ़ाइए, ये थोड़ा बढ़िएगा, इसको जरूर देखिएगा इक्वल यूनिट्स क्या होते हैं, ये बताया हुआ यहाँ पे। फिर आगे उसने कोई एग्जांपल, ये एग्जांपल ये भी 5.3 के नीचे, ये 5.3 ये एक बनाई हुई उसने, थ्री स्टेजेस बना के ना उसको अप्लाई कराया हुआ उसने, ये देख लीजिए एग्जाम्पल उस जिस अभी हमने एग्जाम्पल किए ना लाइक दैट, ये एग्जाम्पल ये आप कर लेंगे इजिली, आपसे सॉल्व हो जाएगी, ये एग्जाम्पल कर लीजिएगा। फिर मैं आगे ही बताऊंगा आपको, ये वेटेड एवरेज मेथड, ये दो मेथड मैंने लगवाने हैं आपसे, वो फाइफो और वेटेड एवरेज, दो मेथड लगवाने मैंने आपसे, बाकी वो भी थोड़े सिंपल ही है, उसमें कोई बड़ी गेम नहीं है, चीजें सारी ऐसी ही होंगी, लेकिन उसमें थोड़ा हम थोड़ी वर्किंग जो कर रहे होंगे वो बस इस लिहाज से कर रहे होंगे, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस कुछ पहले काम हो चुका होगा तो वो हम नहीं लेंगे। और लाइफ वेटेड एवरेज में क्या होता है कि हम एवरेज ले लेंगे, ओपनिंग की होगी ओपनिंग सारी कॉस्ट सारी एवरेज ला देंगे। तो ठीक है मेरे हमें काफी है आज के लिए, क्वेश्चन बैंक में मैं देखने गया था, हर स्टडी उसमें यहां पे देखने गया था, यहां पे गया था, क्या चीज थी इसके अंदर, लेकिन क्वेश्चन नंबर थ्री है, इसको स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, जो भी करना करने ये आपने ट्राई करना है, यू शुड ट्राई, कुछ चीजें इसमें थोड़ी मोड़ी होंगी अभी नहीं हो सकी होंगी, बट यू शुड ट्राई, आप करेंगे तो इंशाल्लाह वो हो जाएगा, बाकी मैं कल जब आपको करवाऊंगा ना तो उसमें भी आपको समझ आ जाएगी। 5-4 रेट एवरेज थोड़ा सा आएंगे, ये फर्दर प्रोसेसिंग में थोड़ा सा चीज आएगी। एक क्वेश्चन नंबर थ्री यू शुड ट्राई, दिसंबर 14 में भी आया हुआ, ये ऑटम 14 में, ठीक हो गया ये सवाल देख लीजिएगा, इसको स्क्रीनशॉट ले लें। और क्या है ये अपने वर्क में मटेरियल, जैसे जैसे ये भी हो जाएगा, G4 भी हो जाएगा जनाब, यस ये भी आसानी से आप कर लेंगे, इसमें भी बताया हुआ थोड़ा सा यार, 70% कंप्लीट बताया हुआ।
ठीक है 70% कंप्लीट ला देंगे आप इक्वल यूनिट्स, बाकी उसी तरह ही होगा। दो जॉब वन जॉब टू है, यानी प्रोसेस वन प्रोसेस टू समझ लें आप, दो प्रोसेस है उनकी सबकी वैल्यू दी हुई है और उसको वैल्यू उसको हम चला देंगे आप। So all these things you should try, ठीक है बेटा, बाकी फिर अल्लाह पे जो मौला अपनी मर्जी से दे। अब अगर try करेंगे तो ये सारी चीजें बड़ी आसानी से हो जाएंगी। So I think this is sufficient. आज के लिए काफी है, क्या ख्याल है बेटा? It is done. So हम क्या करेंगे अब? आज के लिए सारी चीजें काफी हैं। अब हम फाइफो वगैरह और मैं वेरी कल आपको करवाऊंगा इंशाल्लाह, हम आगे चल रहे होंगे। So today for the way this is sufficient inshallah, मैं मौका भी कल बता दूंगा आपको या तो मैनेजमेंट वाले खुद ही आपको बता देंगे या फिर बाकी मैं आपको बता दूंगा। डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है जनाब। सो फॉर टुडे दिस इज सफिशियंट, सो इंशाल्लाह वी विल कंटिन्यू टुमारो। थैंक यू वेरी मच। कुछ नहीं बताते आप ही बता, मैं बता दूंगा बेटा आपको, मैं बता दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे, इंशाल्लाह कल देखते हैं।